हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस सेशन में, जहां पर हम आज कंडक्ट करवाए गए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2 की डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप कि आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों के सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का आज का मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जल्दी से चैटबॉक्स में बता दो, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं अब उसी मॉक टेस्ट की डिटेल्ड डिस्कशन, जहां पर हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था और किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। अभिषेक दिमान, गुड इवनिंग। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले रचना मैम आपको हिमाचल जीके से इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करवाएंगे। ओवर टू रचना मैम। सो हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का एग्जाम आई होप कि अच्छा गया होगा। तो भारत भूषण अपना स्कोर भी मेंशन करे, 104, वेरी गुड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था एचपी जीके का, वो आपका था बेताज। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था आपसे पूछा हुआ बेताज, गर एंड जाबूर आर द टाइप्स ऑफ। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा किसका क्या आंसर होगा, फूड डिशेस, मैरिज कस्टम, डांस फॉर्म या फेस्टिवल। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, किन किन लोगों ने ये जो ये तीनों चीजें है वो पढ़ी थी, कौन मुझे बताएगा कि किन सबने इसको पढ़ा था। तो फर्स्ट का अभिषेक धीमान का भी करेक्ट है, भारत भूषण अनु ठाकुर, सभी ने क्या इसको पढ़ा था, क्योंकि ये आई थिंक आपको बेताज को अनु ठाकुर जानती है, तो ये अगर आपको कोई भी एक पता होगा, ठीक है, तो आप उससे गैस वर्क कर सकते थे। तो ये तीनों के तीनों क्या है, डांस फॉर्म्स है, ठीक है, जो कि आपकी लाहौल एंड स्पीति में होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा हमें बलोक्रम में भी नहीं आई थिंक ये मेंशन, तो इसीलिए ये लाहौल स्पीति का डांस है, डांस फॉर्म्स है जो कि लाहौल स्पीति में फॉलो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर था सी। ठीक है, जिसमें से कि आप लोगों ने बहुतों ने ठीक भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है द मनी महेश लेक इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग द राधा अष्टमी एंड जन्माष्टमी। सेकेंड है मनी महेश इज सिचुएटेड इन द धौलाधार रेंज। थर्ड है द पिलग्रिमेज ऑफ मनी महेश इज कंसिडर्ड सैक्रेड लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ एंड रामेश्वरम। तो इसका क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है और कौन सी इनकरेक्ट। तो जो अभिषेक धीमान है और आप भारत भूषण है, ठीक है, सभी इसका जो आंसर है वो बी बोल रहे हैं। बी मतलब कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, फर्स्ट भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है, जो मनी महेश है यहाँ पर आपका धौलाधार रेंज की बने, तो धौलाधार नहीं है, आप सभी को पता है कि पीर पंजाल रेंज है आपकी मनी महेश, क्योंकि जो जब आपकी जो पीर पंजाल जो रेंज है ये साउथ वाला पोर्शन जो है वो मनी महेश की तरफ जाता है, और इसीलिए जो मनी महेश है वो पीर पंजाल में आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, डॉक्टर जेम्सन सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फाउंड एरिया ऑफ कांगड़ा एंड पालमपुर स्टेबल फॉर टी प्लांटेशन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश एक्स मिलिट्री ऑफिसर हु हैड सेटल्ड इन कांगड़ा इन 1849 AD। इसका क्या आंसर लगाया है आप लोगों ने। ओके अभिषेक धीमान, ठीक है, जो भारत भूषण थर्ड का ए मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये भी देखो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, ठीक है, जो बलोग्राम में गिवन है उसके पीछे जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन गिवन है उसको जरूर पढ़ के जाना है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, तो जो इसका आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिमन सेन ऑफ सुकेत बिल्ट द टेम्पल ऑफ अष्टम नाथ। सेकेंड स्टेटमेंट है
करतार सिंह ऑफ सुकेत शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लोहारा टू करतारपुर, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका भी मुझे जल्दी से आंसर बताइए किसका क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आपको ये फोर्थ का अभिषेक, फोर्थ का डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका मदन सेन, ठीक है? तो मदन सेन जो है उन्होंने अस्थमनाथ का टेंपल बनाया है। देखो एग्जाम में कभी कभी इस तरह से डाल दिया जाता है कि करतार सिंह ने ही लोहारा से करतारपुर कैपिटल को शिफ्ट किया था, ठीक है? ये जस्ट इसलिए कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं और कि इतना इजी तो नहीं आ सकता तो इसको गलत कर दे, तो इस तरह की स्टेटमेंट भी कभी पूछी जाती है। बट ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? तो फर्स्ट इसमें इनकरेक्ट है, सेकेंड इसमें करेक्ट है। सेमन सेन की जगह कौन थे? मदन सेन। नेक्स्ट है सेंटा रोजा एंड मैरी कोजा, ये मुझे जल्दी से बताइए किसका क्या आंसर है। सेंटा रोजा एंड मैरी कोजा किसकी वेराइटीज है? एप्पल की है, पोटैटो की है, प्लम की है या फिर चीकू की है? तो एच ए एस्पिरेंट ने फिफ्थ का सी, अभिषेक धीमान भी, भारत भूषण सभी इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो ये है आपका प्लम वेराइटीज, ठीक है? जो आलू बुखारा जिसको की बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? सो वेरी गुड, सभी ने इसका करेक्टली आंसर करा है। ये भी पूछी जाती है, आपको सभी ध्यान में रखनी है, जो पोटैटो की वेराइटीज है, ठीक है, एप्पल्स की वेराइटी है या फिर जितने भी हमारे हिमाचल में जो फ्रूट्स है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वेराइटीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंड स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना एंड हमीरपुर हैव द सेम नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि भी आप सभी लोगों ने इसका भी आंसर ठीक दिया होगा। तो इसका क्या आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 इसमें क्या करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है? और कितनी, अगर आप 6 का ए, नेक ने, भारत ने, अभिषेक ने, वी एस, ठीक है, नगेंद्र हो गया, ठीक है, सभी इसका आंसर ए बोल रहे, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो कांगड़ा की आपको पता है 15 है और बाकी जो चंबा, सोलन, सिरमौर है इन सबकी 5-5 सीट्स है, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है, आप सभी को स्किप, और भी जिनकी 4-4 है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कुल्लू और बिलासपुर की 4-4 सीट्स है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो और भी चीजें हैं उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1967 टू 1971 हिमाचल वॉज अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो सेवेंथ का है एच ए एस्पिरेंट, सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं, नेक, अभिषेक, भारत, तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली, दिल्ली की ये ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर था। तो वेरी गुड, जिस तरह से आप आंसर्स दे रहे हो तो लगता है कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जास्कर माउंटेन फॉर्म ईस्टर्न बाउंड्री बिटवीन टिबेट एंड किन्नौर, और जो सेकंड स्टेटमेंट है धौलाधार रेंज फॉर्म द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसका मुझे जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को डेप कंफ्यूजन होने वाला है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो चलो फिर भी समझ आ जाएगी आपको, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका क्या है, अभिषेक धीमान आपने क्यों गलत लगाया था, आपने क्या किया था? अभिमन्यु 130 प्लस टुडे स्कोर, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। ओके, इसीलिए आपको ये एग्जाम्स जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको देना होता है, आपका आपको समझ आ जाता है कि आपका कौन सा एरिया वीक जा रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया को थोड़ा कम पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो अभिषेक दीमान का 8 का ए बता रहे हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और अभिषेक ने डेफिनेटली जो ये सेकंड स्टेटमेंट उसको गलत किया होगा, क्योंकि धौलाधार को लगा होगा कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे आ गई, लेकिन जो साउथर्न पार्ट है जो, ठीक है, जो रामपुर वाला जो पोर्शन है वहां पर, वहां से धौलाधार रेंज जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीडिंग फार्म से रिलेटेड है, ये सेंटर्स के नेम है, ये आपके लिस्ट गिवन है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन का, पूछा जाता है बहुत बार।
हाँ, कुछ एरिया किन्नौर का, साउथ वाला जो पोर्शन है किन्नौर का वो आपका धौलाधार को टच करता है। रामपुर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो वो कुछ कुछ एरिया आपका टच करता है धौलाधार रेंज को। ठीक है, तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। शीप ब्रीडिंग फार्म, अंगूरा रैबिट फार्म, हाउस हॉर्स ब्रीडिंग फार्म या राम सेंटर, ये भी बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है। ये जो फार्म से रिलेटेड है, नाइन्थ का सभी का आंसर बी है। ठीक है, तो राम से जो डी है ये तो आपका नगवाइन में है। ठीक है, अंगूरा रैबिट फार्म आपका ए का फोर, शीप ब्रीडिंग फार्म लारी में है, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म बी का थ्री होगा। ठीक है, तो इसमें की आपका जो आंसर है इसका नाइन्थ का बी, सभी को ठीक है, सभी को मतलब की फार्म्स रटे हुए अच्छे से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चुग शिकागो पास इज लोकेटेड एट हेड ऑफ विच वैली। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो लारी में है। ठीक है, ये जो पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, ये आपका कहां पर है, हांगरिंग वैली में है, रिब्बा में है, टिडोंग में है या फिर बसवा वैली में है? जल्दी से मुझे बताइए कि आपका जो चुग शिकागो पास है इट्स अप टू यू अभिमन्यु। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो बसपा, तो टेंथ का डी मैक्सिमम जो बच्चे है अभिषेक दिमाग, बसपा वैली को और किस नाम से हम जानते हैं, बसपा वैली को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये भी मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि देखो इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है आपको, क्योंकि हांगरंग हो गया, रिब्बा हो गया, टिडोंग हो गया, बसपा, ये सारी की सारी वैलीज आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक तरह से बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से ठकुराइयां है और आपका फाउंडर्स है उनके, तो आपको ये मैच करना है कि मधान के फाउंडर कौन है, कुमार सिंह के कौन है, ठियोग के कौन है, क्यूंथल के कौन है। तो ये भी मुझे जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का, अगर किसी ने एचपीजी के जो अभी हिस्ट्री चल रही हुई है सीरीज, अगर किसी ने उसको देखा होगा तो इजीली इसको अटेंड कर लेगा। भावना, भारत, जीत, यस, बसपा को सांगला के नाम से जाना जाता है, 1, 2, 3, 4, ये जो मधान है, मधान के फाउंडर आपके भूपचंद है, कुमार सेन के कीरत है, ठियोग के जयस है और क्यूंथल के गिरी सेन है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सब जो लोग है करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वी एस का, नगेंद्र का, नेक का, एच एस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, इसमें आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। करम प्रकाश वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट, द गिरी रिवर डिवाइड द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इंटू टू इक्वल पार्ट, सुभाष प्रकाश एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट कलसी। तो कौन इसका, इसमें किसको कंफ्यूजन हुआ था, या फिर सभी का ही ये बिल्कुल ठीक है? भारत भूषण, अभिषेक धीमान, ओके, कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि करम प्रकाश ने आपके नहीं फाउंड करा है सिरमौर स्टेट को। करम प्रकाश ने किसको फाउंड किया है, कौन बताएगा, करम प्रकाश ने क्या फाउंड किया है? गिरी रिवर वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, और सुभाष प्रकाश एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट कलसी, कैपिटल टू राजवन, ओके, वेरी गुड, यानी कि आपने सिरमौर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 ओनली, सिर्फ आपका जो गिरी रिवर वाला जो इसमें स्टेटमेंट है वही ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैब इंस्क्रिप्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राजा वर फाउंड एट डेबरी कोठी। ठीक है, ये भी जो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये भी कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछती है कमीशन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर है, राजा बलभद्र वर्मन, ललित वर्मन, रुद्रपाल या फिर राजा पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा, 13 का आंसर ललित वर्मन। ठीक है, आपको ललित वर्मन से रिलेटेड चंबा में स्लैब इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी और एक जसाटा वर्मन से मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, या तो आंसर जसाटा वर्मन होगा या उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, या फिर ललित वर्मन से रिलेटेड पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर नई राहें नई मंजिलें स्कीम एज पर द हिमाचल बजट 2022-23। तो बजट के से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 14th का क्या आंसर होगा। शिव धाम मंडी में है, वाटर स्पोर्ट्स जो है तत्तापानी में, और पैराग्लाइडिंग इन बीर बिलिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे के सारे है ये, इसमें और भी इंक्लूडेड है चीजें, ठीक है, यही नहीं है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो वहां पे आपको और भी जो ये साइट्स है ये देखने को मिलेगी, तो उनको भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है, इससे रिलेटेड चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23, the fiscal deficit of Himachal Pradesh is expected to be dash of the state's gross domestic product 3%, 4.98%, 5.6% या फिर 2.4%। तो 15th का क्या आंसर होगा? 15th का आंसर आपका 4.98%। Yes, तो भारत सभी सही आंसर दे रहे, भावना आंचल नेक, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट अगर आपने एनालिसिस किया हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिम केयर योजना से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो हिम केयर है, जो ये हमारे जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन 16C, इट इज थ्रू आउट द ईयर वी कैन डू रजिस्ट्रेशन। हाँ, मैं आपको यही बताने वाली थी एचएस एस्पिरेंट, बट जो ये डेटा हमने लिया है ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे जब इकोनॉमिक सर्वे निकला था, उस टाइम पे ये स्टेटमेंट आपके हमारे इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, ठीक है। तो अभी जो करंट न्यूज है उसमें थ्रू आउट ईयर है, लेकिन जब जो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हो तो उसमें आपको ये लाइन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि जो हमारे क्वेश्चन बने कमीशन में वो इकोनॉमिक सर्वे से बने, तो उसमें आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती है। तो जो ये वाला आपका पोर्शन है ये आपका इसमें गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है, जो सी वाला ऑप्शन है। अब ये थ्रू आउट ईयर है, ओके, ये सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंबलपाड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नौराधार वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज शेर जंग नेशनल पार्क। तो 17 का क्या आंसर होगा? 17 का आंसर है सिंबलवाड़ा आपका कहां पर है? 17 का भी, हाँ देखो, नौराधार वैली, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है हमें। हम क्या करेंगे कि सिंबलवाड़ा जो नेशनल पार्क है, हमें लगेगा कि वो आपका सिरमौर में है और हम जल्दी से उसको टिक कर लेंगे, बट आपको यहाँ पे एक वैली भी मेंशन है, नौराधार। तो नौराधार कहीं और है तो सिरमौर में ही, बट नौराधार में नहीं है सिंबलवाड़ा, वो आपका पौंटा वैली में है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपके फॉरनर ट्रेवलर है और विजिटिंग ईयर पूछा है, तो इसका कौन मुझे आंसर बताएगा? देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो भी यूरोपियन ट्रैवलर्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो है जितने भी ट्रैवलर, ये तो बहुत ही फेवरेट है कमीशन के। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। थॉमस कोरियाट, भारत भूषण ने भी देखो पहले वाला गलत करा है, अभिषेक धीमान ने भी उसको गलत किया है, भावना ने भी उसी को गलत किया है, ठीक है, और आप सभी को ये वो वाला क्वेश्चन आता था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 18th का क्या आंसर होने वाला है? थॉमस कोरियाट कब आए थे, ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? थॉमस कोरियाट आए थे, ठीक है। 10th का, 18th का बी, ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे आपके? थॉमस कोरियाट आए थे। आई होप कि ये सभी को अब लर्न हो गए होंगे, ठीक है। थॉमस कोरियाट 16 में आए थे, फिर उसके बाद आपका जो फॉस्टर है वो आपके 1783 में आए थे, थैवेनॉट आपके 1666 में आए थे, और विग्ने 1839 में आए थे। अगर आपको दो भी याद रहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर टेंपल्स आपको गिवन है एक साइड, और दूसरी तरफ आपको कि किस राजा के द्वारा वो बनाए गए है, ठीक है।
तो त्रिलोकपुर टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, भूतनाथ और लक्षणा टेम्पल, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो कि कोई तो कोई ना कोई टेम्पल तो आपको डेफिनेटली आता होगा। ठीक है, तो 19 का क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19, लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपको पता हो कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। जैसे कि भूतनाथ टेम्पल है, ये हमारा मंडी में है, तो मंडी के जो राजास होते हैं उनका सरनेम क्या होता है? सेन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब अगर आपको याद है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है और त्रिलोकपुर टेम्पल है, ठीक है, ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये जो त्रिलोकपुर टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है? बालासुंदरी वाला टेम्पल है ये। ठीक है, तो 19 का जो आंसर है वो क्या होगा? बी आंसर। तो इसमें भी मैक्सिमम ने ये भी ठीक करा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जटसारी झा डलवा या फिर झा छोछा, ये कौन सा कस्टम है? मैरिज सिस्टम है या डांस फॉर्म है, डाइवोर्स है या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ है? अभिषेक धीमान भावना 20 का सी, डाइवोर्स सिस्टम, ये कौन सी ट्राइब का है? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब का ये डाइवोर्स सिस्टम है। ठीक है, तो ट्राइब से रिलेटेड मैरिज सिस्टम, ट्राइब से रिलेटेड डाइवोर्स सिस्टम हो गए। ठीक है, और कुछ और जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो जिसमें आपको क्या बताना है? करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, जाट्स आर बुद्धिस्ट, दे हैव ऑक्यूपाइड द एरिया ऑफ पांगी एंड चंबा, दे अर्न इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली, अनमैरिड गर्ल इन द रीजन इज नोन एज जोमो। 21 का क्या आंसर होगा? ये भी आप बहुत सारे फैक्ट्स है इसमें, अगर आपने 21 का जो आंसर है, ठीक है, तो सभी के सभी एग्रीकल्चर एंड वूल, यहाँ पे देखो ओनली टर्म है, ये तो है नहीं है कि जो जाट्स हैं हमने उनको कभी इस तरह से पढ़ा कि सिर्फ एग्रीकल्चर को ही फॉलो करते हैं, तो ये आपका 3 गलत है। अगर आपका 3 गलत है तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको बाकी टर्म्स भी नहीं आती है तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये हिमाचल से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट क्या है कि द फर्स्ट न्यूज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 रीच्ड शिमला ऑन 10th मई 1857 फ्रॉम अंबाला। अगर आपको ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसी स्टेटमेंट के बेस पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 10th मई को तो देखो ये रिवोल्ट शुरू हुआ था मेरठ से। ठीक है, और जो शिमला न्यूज पहुंची थी वो 12 मई 1857 को पहुंची थी। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट आपका यहां पर भी है और डी में भी है, तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से है? 2 और 4। तो एक अगर आपको स्टेटमेंट पता होता, ठीक है, और जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज है ये, तो उसके बेस पे आपका ये आंसर निकल आता। तो कमीशन में भी इसी तरह से चीजें होती है, जरूरी नहीं होता कि सब चीजें पढ़नी होती है, थोड़ा सा स्मार्टली भी वर्क करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का जो एग्जाम था आज का वो अच्छे से हुआ होगा, और जो बाकी के अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको निशान सर पढ़ाएंगे। तो ओवर टू यू निशान सर। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, आई होप आज का मॉक टेस्ट जिन भी लोगों ने आप में से अटेम्प्ट किया है, अच्छा आप लोगों का टेस्ट गया होगा। तो आगे हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से। देखो, मॉक टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं? ठीक है, हम किसी भी तरीके का प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट हम लोग क्यों करते हैं, उसके कारण क्या है, क्या रीज़न होता है? अभी एग्जाम की डेट करीब आ गई है, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, टाइम का सबसे एफिशिएंट यूज करना है, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, रिवीजन इतना करना है, लेकिन मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं हम? मॉक टेस्ट देने का कारण क्या होता है? पहला तो प्रैक्टिस, बहुत सीधी सी बात है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, इंसान गलतियों का पुतला है और अगर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो गलतियां आप कम कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद उसके एनालिसिस होती है। एनालिसिस में सिर्फ इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर जो है वो तो आप देखते ही हो कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, मैंने सही दिया गलत दिया है। आपको ये भी देखना होता है कि जो क्वेश्चंस में आपने गलतियां की हैं
जो क्वेश्चंस आपने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं वो गलत क्यों हुए? क्या आपने वहां पर प्योर तुक्का मारा है, प्योर फ्लूक किया है, बिल्कुल गेसवर्क किया है, या फिर आप कंफ्यूज होकर सिली मिस्टेक करके आए हो, या फिर आपने सब चीजें पढ़ी हुई थी, सब कुछ आप लोग आपको पता था, लेकिन ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो गए, तो गलती किस तरीके की हो रही है? दूसरा चीज होता है कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लीव कर दिए क्योंकि उनका कोई आइडिया नहीं था, तो उसका मतलब है कि वो टॉपिक जिनके क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो ये एनालिसिस की है या नहीं किया आप लोगों ने? आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स कोई दूसरे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगर वो मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ आप अपने स्कोर जोड़ रहे हो कि इसमें मेरे 80 नंबर आए, इसमें 100 नंबर आए, इसमें 120 नंबर आए, वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि जो क्वेश्चंस 100 थे उन 100 में से कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से करेक्ट हुए, कितने उसमें से इनकरेक्ट हुए, जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, वो गलती दोबारा तो मेरे से रिवाइज नहीं हो पाएगी, वो गलती मेरे से दोबारा तो कमिट नहीं होगी, और क्या मैं एक के बाद एक जो मॉक टेस्ट दे रहा हूं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या मेरे अटेम्प्ट्स जो इन क्वेश्चन में मैंने अटेम्प्ट किया है वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, जो मेरे क्वेश्चन सही होते हैं वो सही हो रहे हैं ज्यादा, वो नंबर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मैं इनकरेक्ट आंसर देता था वो कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने एनालिसिस की है, ऐसी मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है, राइट। सो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल हिमालयन हाइकर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एनवायरमेंट वॉज बेटर ऑन टफर साइड, हाँ हो सकता है अरुण एनवायरमेंट थोड़ा सा आपको टफ लगा हो, राइट। 60% एक्यूरेसी है, नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, भरत मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोग समझ के चलिए, सिर्फ स्कोर जान लेना ये काफी नहीं है, मॉक टेस्ट में कितना भी स्कोर कर लो, एक्चुअल स्कोर जो एक्चुअल एग्जाम में होगा वही आपका मैटर करता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसके सॉल्यूशंस को जब भी आप पढ़ते हो तो सिर्फ ये मत देखो कि कितना स्कोर आपने किया है, एनालिसिस जरूर करो कि गलती कहां हो रही है, वो गलती ढूंढो, उस पर काम करो, और जो रिविजन करने का आपको टाइम मिल रहा है उस रिविजन को उस हिसाब से मॉडिफाई करो। अगर आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मेरे से जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, या हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, तो वो सब्जेक्ट दोबारा जाकर रिवाइज करने की जरूरत है, इसीलिए दिए जाते हैं मॉक टेस्ट, राइट। इसीलिए टेस्ट सीरीज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और वो टेस्ट सीरीज का मोटो क्या है, यही मोटो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिए जाए, सेक्शनल टेस्ट दिए जाए, फुल लेंथ टेस्ट दिए जाए, ताकि उन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप एनालिसिस कर सको कि आप कहां स्टैंड करते हो। स्कोर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्कोर से कुछ नहीं होगा, 80 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर ले आओ मॉक टेस्ट के अंदर, कोई फायदा नहीं है उसका। एक्चुअल एग्जाम में अगर गलतियां करनी स्टार्ट करती हैं आपने तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो 23rd क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्टर्नलीज विंड्स आर स्ट्रांगेस्ट एंड मोस्ट फेरोशियस व्हेन ब्लोइंग ओवर दी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ ज्योग्राफी की यहां पर शुरुआत हुई थी, वेस्टर्नलीज विंड्स के बारे में क्वेश्चन था, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओशंस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द सदर्न, या फिर ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो 23rd का आंसर बहुत सिंपल है, आंसर यहां पर डी बनेगा, ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा, तुक्का मारना पड़ेगा आपको यहां पे, राइट। इसके अलावा अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक से अगर नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा लॉजिक लगाकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आपको ज्योग्राफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। सो क्वेश्चन का आंसर यहां पर डी है, ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वहां पर लैंड मास कम होते हैं इसीलिए विंड्स को फ्रिक्शन नहीं मिलता, आराम से विंड्स बहुत तेज स्पीड से ब्लो कर सकती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर एक सिटी दे दी गई और वो किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया। सिटी मैंने चार आपसे पूछी थी, नासिक, सूरत, लखनऊ और विजयवाड़ा, और किस रिवर के अलोंग सिचुएटेड है, कृष्णा, गोमती, तापी, गोदावरी, राइट। सो दिस क्वेश्चन वॉज अगेन नॉट डिफिकल्ट, ये जो चारों सिटीज मैंने यहां पर आपको दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर सिटीज हैं। नासिक की बात करें तो गोदावरी के बैंक पे है नासिक, राइट। कुंभ का मेला भी लगता है यहाँ पे, जो चार कुंभ के मेले लगते हैं, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वहां पर एक कुंभ का मेला जो है नासिक के अंदर गोदावरी के तट पर लगता है। फिर आता है सूरत, सूरत जो है तापी रिवर के माउथ के बिल्कुल पास लोकेटेड है, सो ये बन जाएगा 3, राइट। लखनऊ इज ऑन द गोमती रिवर, राइट, और कृष्णा रिवर के बैंक्स पे विजयवाड़ा टाउन लोकेटेड है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन। सो 4, 3, 2, 1 करेक्ट आंसर यहां पर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो अगर आपको सही लग रहे हैं, आप में से जिन्होंने भी ये टेस्ट आज अटेम्प्ट किया है मुझे एक चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि ये ज्योग्राफी के जो 10 क्वेश्चन थे ये 10 क्वेश्चन में कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं, और जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, पढ़ा नहीं, वो चीज आती नहीं थी, या कंफ्यूजन हो गए क्वेश्चन में, आपको कुछ दिक्कत हो गई समझने में और आपने वहां पर सिली मिस्टेक की है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैच करना है आपको कुछ आइलैंड्स और वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा।
ईस्टर आइलैंड, रोड आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड या फिर कैनरी आइलैंड, और साथ में कंट्री क्या दी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिली एंड देन स्पेन। सो 25th का आंसर अभिषेक मुझे बी बता रहे हैं, भावना भी बी कह रहे हैं। देखो ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, बहुत फेमस आइलैंड है। ईस्टर आइलैंड पे आपको वो ईस्टर स्टैचूज देखने को मिलती हैं, राइट, वो कई सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखी होंगी वो स्टैचूज। और ये जो ईस्टर आइलैंड है ये बेसिकली चिली के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, राइट। सो थर्ड यहां पर मैच हो जाएगा। रोड आइलैंड एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है आपका रोड आइलैंड, और इसका नाम पड़ा है इसी स्टेट के अंदर एक आइलैंड है जिसका एक्चुअल नाम है रोड आइलैंड, उसी आइलैंड के नाम पे इस पूरे स्टेट का नाम है रोड आइलैंड, राइट। सेंट हेलेना आइलैंड है जो आपका यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करता है, एक वोल्केनिक आइलैंड है, और कैनरी आइलैंड आपका स्पेन को बिलोंग करता है अटलांटिक ओशन में, कैनरी करंट्स भी इसी आइलैंड के ऊपर नेम्ड है। सो 3, 2, 1, 4 करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, फोर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं एचपीएस के अंदर। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर को लेंथी करने का काम करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट के अंदर तो ये लेंथी क्वेश्चंस को पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहां पर चार स्टेटमेंट दी गई, पहली द गारो राजमहल गैप सेपरेट्स द मेघालय प्लेटू फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पढ़ रखा है ना हमने ज्योग्राफी के अंदर कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसी का पार्ट है मेघालय प्लेटू। मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया है जो पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है, वो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। लेकिन वो इंडिया के पेनिनसुला से अलग क्यों दिखता है हमें, क्योंकि बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र ने आकर के अपना प्लेन एरिया बना दिया है, राइट। और वो जो प्लेन एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप, क्योंकि एक साइड गारो हिल्स है मेघालय में और दूसरी साइड राजमहल हिल्स है वेस्ट बंगाल झारखंड की, राइट। तो ये राजमहल हिल्स भी प्लेटू का हिस्सा है, गारो हिल्स भी प्लेटू का हिस्सा है, इसको हम गारो राजमहल गैप कहते हैं, ठीक है। कर्नाटका का जो हिली रीजन है उसको मलनाड कहते हैं, ना कि मैदान। मैदान जो है वो प्लेन रीजन को मैदान कहते हैं, हिली रीजन को मलनाड कहते हैं, तो ये गलत हो गया। थर्ड में केरला की बैकवाटर्स कयाल कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है। कोलेरू लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी लेक्स में से एक है कोलेरू लेक, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, तो इसीलिए यहां पर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन पूछे मैंने भाई, देखो ज्योग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिमाचल में वैसे भी मैंने देखा है एस्पिरेंट्स की ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है। स्टेटमेंट दो दे दी, चाइना हैज द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, राइट। द फेमस लिथियम ट्राइंगल इज अ लिथियम रिच रीजन इन यूरेशिया। लिथियम जैसे हैवी जो रेयर अर्थ मेटल्स है, हैवी मेटल्स तो नहीं कहना चाहिए, रेयर अर्थ मेटल्स जो है बहुत स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, डिजिटल इंडस्ट्री में, माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग, एरोडायनामिक्स, कंप्यूटर, इन सभी में ये जो आपके मिनरल्स हैं इनकी बहुत ज्यादा यूजेज होती है। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड की, तो चाइना में नहीं है, चाइना में नहीं है। लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स जो है पूरे वर्ल्ड के लिथियम के, वो आपको तीन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, बोलिविया, चिली और पेरू और अर्जेंटीना, राइट। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है इन कंट्रीज का साउथ अमेरिका के अंदर, उसको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, और ये आता है यूरेशिया में नहीं, साउथ अमेरिका में, और चाइना में लार्जेस्ट रिजर्व्स भी नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना में प्रोडक्शन जरूर ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिजर्व्स जो है वो चाइना में सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, और इसीलिए आंसर बनेगा बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 एचपीएस का वन ऑफ द फेवरेट ज्योग्राफी क्वेश्चंस, अरेंज कर दो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर। यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि दक्षिण से स्टार्ट करके नॉर्थ में जाते हैं तो यूक्रेन, एस्टोनिया, लिथुएनिया, लैटविया, चारों कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है पुतिन जी की वजह से, और इन कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। देखो सबसे साउथ में लोकेटेड है यूक्रेन, राइट, यूक्रेन के बाद आता है लिथुएनिया, फिर लैटविया, फिर एस्टोनिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1, 3, 4, 2 अगर हम देखें तो आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी डार्क है दिवाकर, आई होप आप में से किसी को भी स्क्रीन को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिवाकर स्क्रीन डार्क लग रही थोड़ी सी तो आपको थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस जो है फोन की शायद वो बढ़ाने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। छोटी पीक से, कम हाइट की पीक से स्टार्ट करके ज्यादा हाइट की पीक तक जाना था आपको। डोडा बेटा, अनामुडी, मुकुरथी और देवटिब्बा। टेक्स्ट की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, टेक्स्ट की ब्राइटनेस बढ़ा दूं, क्या सभी को दिक्कत हो रही है, सभी को कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दो।
आई थिंक इट्स ऑल राइट नाउ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी ना तो वो टेक्स्ट जो है वो दिखना और मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है. ठीक है, सो अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन इंडिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट. अगर हम हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डोडा बेटा अनामोडी मुकुर्ती देव टिब्बा, ये आपकी चार हिल्स मैंने आपको दी थी. और ये जो चार हिल्स हैं, इन चारों हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक ऑब्वियसली हिमाचल की देव टिब्बा है, बाकी में से मुकुर्ती सबसे छोटी है, उसके बाद डोडा बेटा, उसके बाद अनामोडी. सो आंसर क्या बनेगा, मुकुर्ती, डोडा बेटा, अनामोडी और उसके बाद देव टिब्बा. 3124 हमारा आंसर नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए. 3829 का आंसर बनेगा ए. क्लियर. इसके बाद 38 क्वेश्चन देखते हैं. द इंडियन टाउन्स ऑफ अंबाला, माऊ और उधमपुर आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. अंबाला हरियाणा में, मऊ मध्य प्रदेश के अंदर और उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किस चीज के लिए फेमस है. कोल डिपॉजिट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, वाटर रिजर्वर कोई बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे, लॉजिस्टिकल पार्क्स भी नहीं लगे हुए हैं, मिलिट्री कंटोनमेंट्स हैं तीनों के तीनों. ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टैब्लिश किए गए मिलिट्री कंटोनमेंट्स में से है ये. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, राइट. 38 का आंसर यहाँ पर बनेगा सी. द इंडियन टाउन्स ऑफ अंबाला, मऊ, उधमपुर, दे आर फेमस फॉर विच द फॉलोइंग. दे आर फेमस फॉर मिलिट्री कंटोनमेंट्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट और द नेटल काइंड ऑफ क्लाइमेट. जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होता है इसको हम चाइना टाइप क्लाइमेट भी बोल देते हैं. ठीक है, और इसी में यहां पर मैंने और लेकिन नेटल कर दिया है. नेटल का मतलब क्या है कि यही क्लाइमेट जब सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है तो इसको नेटल बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि चाइना टाइप क्लाइमेट इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि चाइना के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर भी हमें इसी तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है. लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में भी, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट पे भी आपको इस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलेगा और उसको हम बोलते हैं नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट. अब कौन सी विंड वहां ब्लो नहीं करेगी, पाम्पेरो बिल्कुल ब्लो करती है साउथ अमेरिका के अंदर, बर्न बिल्कुल ब्लो करती है साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में सदर्ली बस्टर ब्लो करती है. ठीक है, हर्मटैन जो है ये नॉर्थ अफ्रीका की विंड है जहां पर आपको ये चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट या नेटल क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा. तो 2 को एलिमिनेट करें, 1, 3, 4 करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, क्लियर हो गया. ये अभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यही मैं कह रहा हूं. ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, आंसर करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको इन चारों विंड्स के बारे में पता होना चाहिए. चारों लोकल विंड्स हम पढ़ते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी के अंदर. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट किन रीजन्स में मिलता है. कोई भी सोर्स आपको लिख के नहीं बताने वाला कि किस क्लाइमेट में कौन सी विंड मिलेगी. आपको क्या बताया जाता है कि ये विंड कौन से रीजन में बहती है, कौन से रीजन में ब्लो करती है, और आपको ये बताया जाता है कि ये जो क्लाइमेट है वो कौन से रीजन में मिलता है. तो वो मैच करना आपका काम है एज अ स्टूडेंट, वहां पर दिमाग लगाना आपका काम है, इसलिए एक्टिव रह के जाते हैं हम एग्जाम के अंदर, राइट. सो इन क्लाइमेट के जिस जिस रीजन में क्लाइमेट मिल रहा है वहां पर आपको पैम्पेरो विंड दिखती है, बर्ग विंड दिखती है, बस्टर दिखती है, बट हार्मटन विंड नहीं दिखती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशनोग्राफी अ बे इज व्हाट. बे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ फ्लोरिडा, बिस्के, बे ऑफ बिस्के. ये जो बे है इसका मतलब क्या है, स्मॉल वॉटर बॉडी सराउंडेड ऑन 3 sides बाय लैंड एंड 4th side ओपन टुवर्ड्स द ओशंस, राइट. ये करेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है. बाकी ऑप्शंस लेकिन पढ़ने जरूरी है. आंसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करने से पहले तीन जो चारों ऑप्शन जो है वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं. लार्ज वॉटर बॉडी समटाइम्स विद अ नैरो माउथ दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. नहीं, लार्ज वॉटर बॉडी नहीं होती है, स्मॉल वॉटर बॉडी होती है यूजली बे. ठीक है, इसके बाद नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर यूजली बिटवीन कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स और बिटवीन टू लार्जर वाटर बॉडीज, ये स्ट्रेट होता है, दिस इज अ स्ट्रेट. नेक्स्ट, नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस, वो जो नैरो पीस ऑफ लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस वो इस्थमस है. और बे का मतलब होता है कि 3 sides लैंड से घिरे रहो और 1 slide आप ओशन में जुड़ जाओ तो वो बन जाती है आपकी बे. क्लियर, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 33. इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है वो एयर पॉल्यूशन से डील करने में मदद करेगी, एयर पॉल्यूशन को कम करने में कौन सी प्रैक्टिस यहां पर मदद करती है. कोल वॉशिंग, यूज ऑफ हॉट एस्फॉल्ट मिक्स टेक्नोलॉजी,
यूज ऑफ लेडेड फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स या फिर फ्लोटिंग रूफ कवर्स इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। सो क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर? कोल वॉशिंग, यूजेज ऑफ हॉट एसफॉल्ट मिक्स टेक्नोलॉजी, लेडेड फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एंड फ्लोटिंग रूफ इन पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल्स। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? देखो, हॉट एसफॉल्ट जब हम यूज करते हैं, जैसे रोड बनाने के लिए, पेवमेंट बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एसफॉल्ट को, जो कि कार्बन बेस्ड एक सब्सटेंस है, उसको गर्म करके मिक्स करते हो। गर्म करोगे, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो टॉक्सिक गैसेस है, एयर में जाएंगी, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। इसलिए हम कोल्ड एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि आज के टाइम में कोल्ड एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए, पहली चीज। तो ये सेकंड गलत हो गया। लेडेड फ्यूल यूज करोगे ऑटोमोबाइल में तो लेड का एमिशन होगा व्हीकल से, लेड का एमिशन होगा, तो लेड इज वेरी पॉइजनस टू ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, राइट? तो इसीलिए थर्ड भी नहीं है। इसीलिए सरकार ने लेड का एडिशन बंद कर दिया, बैन कर दिया पूरे देश के अंदर। इसके अलावा पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी लेडेड फ्यूल अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है? वॉश कर दो कोल को, बहुत जरूरी हो जाता है। कोल को वॉश कर देते हैं, कोल के अंदर से इंप्यूरिटीज निकाल देते हैं ताकि कोल बर्न हो तो क्लीनर एमिशंस हो। एश और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ना जाएं। और फ्लोटिंग रूफ कवर लगाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, ताकि पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो भी हाइड्रोकार्बन स्टोर कर रहे हो, वॉलेटाइल होते हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते हैं। जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे वो भी इवेपोरेट होते हैं। तो ये इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ना हम उनको रिलीज कर दें, उसको एक फ्लोटिंग रूफ कवर से ढक दिया जाए, ठीक है? और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या एक्सप्लेन करना है अभिषेक? सेकंड स्टेटमेंट देखो, एसफॉल्ट क्या होता है? एसफॉल्ट रोड देखते हो, रोड के ऊपर जो हम कहते हैं ना कोल तार बिछा रहे, एसफॉल्ट से आप बनाते हो रोड्स। एसफॉल्ट से जो पेवमेंट्स होते हैं साइड में, जो रोड्स के साथ में आपके फुटपाथ बनते हैं, उस पर हम एसफॉल्ट कई बार लगाते हैं। अब एसफॉल्ट को गर्म किया जाता है ताकि एसफॉल्ट लिक्विड फॉर्म में हो जाए, उसको रोड पे बिछाना आसान हो जाए और उसके बाद जो एसफॉल्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट? लेकिन ये जब हॉट मिक्स एसफॉल्ट करते हैं तो उसमें करते क्या, जब हॉट करेंगे तो वो गैस बनके एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज भी होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे। तो एक कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी आती है जहां पर हम क्या करते हैं कि बिना टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाए हम एसफॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं और उसको रोड के ऊपर बिछा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अप इस क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक has tied up with the National Insurance Company for insuring Himalayan yak against the risk posed by weather calamities and diseases. Himalayan yak के बारे में आपको चार statement दे दी गई थी, वो चारों statement जो है आपको बतानी है। Bituminous, bituminous तो bituminous actually वही coal tar होता है। Bituminous coal tar होता है, asphalt से थोड़ी lower quality का होता है bituminous। इंडिया के अंदर ज्यादातर जो रोड्स बनती है हमारे शहरों में वो उस पर बिटुमिना से बिछा के हम लोग काम चलाते हैं। लेकिन देखते हो जो हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे जो बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली है, बैंगलोर है, मुंबई है, वहां की जो मेन रोड्स हैं उस पर एसफॉल्ट बिछाया जाता है। बहुत ही महीन, बहुत ही ज्यादा लिक्विड तरीके का एसफॉल्ट होता है वो आपको जब रोड बन जाएगी तो बिल्कुल एक ऐसा नहीं लगता कि छोटे छोटे पत्थर वहां पर कोल के रखे हुए हैं। इट लुक्स लाइक अ सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट? तो बताओ इसके बारे में कौन सी हिमालयन याक के बारे में स्टेटमेंट सही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? नहीं, आजकल किसी जानवर की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही टाइगर के अलावा, ठीक है? तो याक की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है भारत में। इसके साथ इट कैन सर्वाइव टेम्परेचर एज कोल्ड एज -40 डिग्रीज। यस, -40 डिग्री से भी ठंडे टेम्परेचर ये बिल्कुल जो है सह सकता है। इसके बाद एडल्ट याक्स वे एज मच एज 5 टन्स, 5 टन तक वे कर जाएंगी। अब ये क्या हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट है, लेकिन 5 टन समझते हो आप कितना ज्यादा वेट होता है? किसी एनिमल का 5 टन वेट होगा तो वो एलिफेंट होगा, वो याक नहीं होगा। इवन याक का जो एडल्ट याक है, जो हैवीएस्ट याक आप रिकॉर्ड करेंगे, वो 1 या 2 टन की याक आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा की याक आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ ये भी समझो ना यार, पहाड़ी इलाकों में 5 टन लेकर कोई कैसे घूम रहा है? इसके बाद याक्स आर एंडेमिक ओनली टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये भी गलत है। और इसमें आप ये देखोगे ये जो बी स्टेटमेंट है इट इज मच मोर करेक्ट एज कंपेयर टू द सी स्टेटमेंट। -40 डिग्री सेल्सियस आपको बहुत सारे सोर्सेस में मिल जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो याक्स हैं वो इतने ठंडे टेम्परेचर्स तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी एंटीबायोसिस रेफर्स टू व्हाट? एंटीबायोसिस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज? नहीं, सेम स्पीशीज के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब कॉम्पिटिशन होता है, इसको हम कोई नया नाम जो है वो नहीं देते हैं। दिस इज नोन सिंपली एज कॉम्पिटिशन, राइट? An association between two species where one species kills to feed on the other. ये predation होता है। Predation, जहाँ पर शिकार करते हो दूसरे जानवर को मार के खा जाएंगे। Relationship in which one organism is benefited by direct utilization of another. दूसरे का utilization कर रहे हैं लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है? खुद को फायदा हो रहा है।
तो दिस इज अगेन नॉट एंटीबायोसिस. एंटीबायोसिस में क्या होता है, सिक्रेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हार्मफुल टू अदर्स. ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो उसको फायदा नुकसान दे रहे हो ना दे रहे हो लेकिन दूसरों को जरूर नुकसान करेंगे. क्लियर? सो करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी विच इज नोन एज एंटीबायोसिस. क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. Consider the following statement: the total amount of water that is received in the form of rainfall over an area is known as water harvesting potential. ठीक है, किसी भी एरिया के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल. नहीं, वॉटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जितना भी पानी अवेलेबल है, the total amount of water that is coming over an area multiplied by the हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी और कैचमेंट एफिशिएंसी, वो आपका पोटेंशियल होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि कितना एफिशिएंटली आप उस रेन वाटर को कैप्चर कर सकते हो, वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल बनता है. ठीक है, ये तो जितना भी पानी आ गया उसको हम थोड़ी बोल सकते हैं कि हार्वेस्टिंग पोटेंशियल है. वो जितना भी रेनफॉल से पानी आएगा उसमें से कुछ इवेपोरेट जरूर होगा, कुछ प्लांट्स के द्वारा जरूर यूटिलाइज किया जाएगा, कुछ अंडरग्राउंड जरूर जाएगा, तो उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर कंपेयर नहीं करेंगे. पेव्ड एंड अनपेव्ड सर्फेस. अनपेव्ड और पेव्ड को आप कच्ची और पक्की सड़क समझ सकते हो. अनपेव्ड का मतलब होता है वो सड़क जिसके ऊपर कोल तार, बाइटुमिनस, टाइल, ये सब कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल सॉयल है, दैट इज अनपेव्ड. ठीक है, पेव्ड सरफेस क्या होते हैं, शहरों में मिल रहा है ना कि टाइल लगा दी है, रोड पे कोल तार बिछा दिया, एस्फॉल्ट बिछा दिया है, कुछ ऐसा कर दिया तो उसको कवर कर दिया है मिट्टी को. ठीक है, तो ये पेव्ड और अनपेव्ड का डिफरेंस होता है. क्लियर? Unpaved surfaces have a relatively lower water harvesting potential. नहीं, unpaved surfaces का water harvesting potential ज़्यादा होगा क्योंकि unpaved जो surface है उसके ऊपर कोई cover नहीं है, वो सीधा पानी को absorb करेगा. ठीक है, तो हमारी ये statement भी गलत है, one भी गलत है, two भी गलत है, दोनों statement गलत हो गई. Answer आ गया B. Answer आ गया B. ठीक है, clear? याद रखना, unpaved surface, कच्ची सड़क ज़्यादा helpful होगी हम लोगों को water को absorb करने के लिए, water harvesting के लिए. Next is question number 37. Which of the following are the potential benefits of coastal marshes and wetland? Coastal marsh और wetland का क्या फायदा होता है? They act as migration areas for birds and animals. They purify, recharge groundwater, prevent contamination of wells in the coastal areas. It protect the coastlines from storms and cyclones. चारों के चारों ये फायदे हैं. 37th का आंसर क्या है? A, 1, 2, 3, 4. चारों के चारों फायदे होते हैं कोस्टल एरियाज में जब भी हम वेटलैंड्स बना देते हैं या कोस्टल एरियाज में जो मार्शेस दलदल होते हैं. क्यों फायदा करते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स को माइग्रेशन में जरूर मदद करेंगे क्योंकि ये जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस जब उनको ट्रैवल करना है तो वो इन कोस्टल एरियाज में ट्रैवल करते वक्त इन मार्शेस का फायदा उठा सकते हैं. दे कैन रिचार्ज ग्राउंड वाटर, पानी को धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब करवाने का वो काम करते हैं. प्यूरीफाई भी करते हैं क्योंकि वहां पर राइजो फिल्ट्रेशन होता है, प्लांट्स के द्वारा पोल्यूटेंट्स को वहां पर डिकम्पोज कर दिया जाता है. कोस्टल एरियाज में जो कुएं बनाओगे उसमें सॉल्ट वाटर ना जाए तो वो कैसे होगा कि अगर कोस्टल एरियाज का ग्राउंड वाटर वो फ्रेश वाटर से भरा हो? और ये कैसे इंश्योर करेंगे? मार्शेस के थ्रू, क्योंकि मार्शेस जो है वो सॉल्ट को इंट्रूड नहीं होने देंगे ग्राउंड वाटर तक, वो सॉल्ट को अपने सर्फेस वाटर में ही पकड़ करके रखेंगे. ठीक है, इसके अलावा दे प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म एंड साइक्लोन. तो बहुत क्लियर है कि जब स्टॉर्म्स आएंगे, साइक्लोन आएंगे तो ये जितनी भी वेजिटेशन है वो कोस्टल एरियाज में इरोजन होने से रोकेगी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. मैंने एक पोल्यूटेंट दे दिया, जो एक डिजीज किसी पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट होती हो और क्या कॉज है उसका. तो आर्सेनिक की वजह से कॉलरा होता है, मर्करी की वजह से इटाइटाई डिजीज होती है और कैडमियम की वजह से मिनामाडा डिजीज होती है. लेकिन कैडमियम की वजह से इटाई इटाई होती है, मर्करी की वजह से मिनामाटा होता है और कोलेरा जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है. ठीक है, ये आर्सेनिक से नहीं होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो करेक्ट आंसर यहां पर है कि नन ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच. कोई भी पेयर यहां पर करेक्ट मैच नहीं की गई है. ठीक है, आर्सेनिक से कैंसर होता है, आर्सेनिक से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे अगर बच्चों को आर्सेनिक का जो एक्सपोजर है कंटेमिनेशन हो जाए तो उनकी न्यूरल ग्रोथ और बोन ग्रोथ जो उस पर इफेक्ट पड़ता है. कैडमियम से इटाइटाई हो जाता है, मर्करी से मिनामाटा डिजीज हो जाती है. तो ये सारे जो मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन. राइट, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की. कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम. During the course of evolution, the eggs of the bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of a host bird detecting them. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने सुनी होगी ये कहानी कि जो कोयल होती है वो अपने अंडों को दूसरी बर्ड्स के घोंसलों में रख देती है
और कोयल के जो अंडे हैं वो बाकी बर्ड्स के अंडों की तरह काफी दिखते हैं, और बाकी बर्ड्स उन्हें अपना अंडा समझ के उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, और बड़ों के पता चलता है कि कोयल है, राइट। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको इंग्लिश में बताना था कि क्या इसको कहते हैं, इसको एंडो पैरासिटिज्म कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, एक्टो पैरासिटिज्म कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म कहते हैं। करेक्ट आंसर है ब्रूड पैरासिटिज्म, राइट। ब्रूड इनक्यूबेट करने का मतलब होता है ब्रूडिंग करना, एग्स को सेना, एग्स को जो है उनको वार्मथ देनी होती है, उनके ख्याल रखना पड़ता है, तो वो काम यहां पर हो रहा है, राइट। ब्रूड पैरासिटिज्म ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आपको करेक्ट बताना था। एम है पहला तो कि इंश्योर करना इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का, उनके सर्वाइवल को इंडेंजर ना करे, और दूसरा ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है लेकिन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑन दी डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज। जे स्मिथ, ये जितने भी आपको दूसरे पैरासिटिज्म दिए गए हैं ये आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप भी बता देता हूं। एंडो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट रहता है जो आपको मार नहीं रहा है लेकिन आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक्टो पैरासिटिज्म में आपके स्किन के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स होते हैं जो आपको मार भी सकते हैं, आपके लिए लीथल भी साबित हो सकते हैं, राइट। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म बहुत रेयर काइंड ऑफ पैरासिटिज्म होता है जिसमें पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो पैरासाइट की एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासिटिज्म, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम इन दी पीडीएफ। इसी पीडीएफ के लास्ट में जहां पर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन है वहां पर आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे जे स्मिथ, ठीक है। ये चारों पैरासिटिज्म आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर यहां पर क्या होगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड इन एनिमल स्पीशीज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया, और उसके बाद एक लीगली बाइंडिंग तो है पार्टीज के ऊपर, इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट में जाते हो तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के अंडमान निकोबार में है, सर इसका राजस्थान में है, रामेश्वरम नेशनल पार्क जो है वो आंध्रा में है, और मूलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सबसे वेस्ट में आपको सर इसका जाना पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान से चल के आएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आपको अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार से मूलिंग। सो 2, 3, 4, 1 करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको इतना ही पता होता है कि सरिस्का राजस्थान है, मूलिंग अरुणाचल प्रदेश है, तो आपको 1 और 4 का अगर आपको पता चल जाता है कि सबसे पहले 2 आना चाहिए और सबसे लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप जो है करेक्ट आंसर तक यहां पर पहुंच जाते। अरे मैंने आपको आंसर यहां पर गलत मार्क कर दिया है, 2, 3, 1, 4 आंसर है, बी आंसर है यहां पर, आई एम रियली सॉरी, आंसर बी है 2, 3, 1, 4, राइट। 42nd का आंसर बी है, भावना बिल्कुल सही कह रहे हो आप, राइट। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू द इकोसिस्टम Which of the following correctly describes the term standing state? Standing state का मतलब क्या होता है? एक ecosystem में जितना भी dry biomass present है, उसको हम बोलते हैं standing state। किसी भी given time के अंदर ecosystem में जितना भी standing dry biomass है, उसको हम लोग बोलते हैं standing state, right? The total number of microorganism species नहीं, amount of inorganic nutrients नहीं, amount of annual rainfall भी नहीं, it is the amount of biomass in an ecosystem, right? तो ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए। आपको इन क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करना था कि कहां पर गलती हो रही है, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में, मल्टी स्टेटमेंट वालों में गलती हो रही है, मैच द फॉलोइंग वाले में गलती हो रही है, किस तरीके की गलती हो रही है, इंफॉर्मेशन की कमी है, क्वेश्चन समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम की कमी पड़ रही है, ये एनालिसिस करके ही आप लोग जो है अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। स्कोर खेलने से यहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस करने के बाद अब आई हैंड इट ओवर टू कुलदीप सर, जो आपको आगे के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों फिर कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट, एक बार जल्दी से बता दो। और जैसा कि निशान सर ने बोला कि स्कोर मैटर नहीं करता है, अगर यहाँ पर आप 150 नंबर लेकर आ रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप 120 नंबर लेकर आ रहे हैं तो भी ठीक है। मैटर ये करता है कि आप लोगों की एक्यूरेसी क्या है, मैटर ये करता है कि आप लोगों ने इस टेस्ट की एनालिसिस के बाद अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है, क्योंकि वहां पर अब आपको अगले एक महीने काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला आपको क्वेश्चन बताया गया है कि द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978।
दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिन जिन पॉइंट्स पर आपसे मैंने गलती करवाने की कोशिश करी है क्वेश्चन में, उसको मैं पक्का हाईलाइट करूंगा ताकि आप लोग नोट कर पाओ कि आपसे कहां पर गलती हो सकती है। प्रीएम्बल सिक्योर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कहां पे थोड़ा क्रिटिकल लगा होगा कि यहां पर रेजिडेंट वर्ड मेंशन किया हुआ था, जहां पर आप लोगों को सोचना पड़ा होगा कि यार प्रीएम्बल में रेजिडेंट था या सिटीजन था। लेकिन आप में से काफी बच्चों ने बहुत दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किया है कि सिटीजन वर्ड यहां पर आना चाहिए ना कि रेजिडेंट वर्ड आना चाहिए, तो सेकेंड हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली जो प्रीएम्बल वर्ड है वो 40 प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट की गई है 42nd से करी गई है, और अगर अमेंडमेंट करी गई है तो आप लोगों को पता है कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, सही हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 3 and 4, क्योंकि जो जस्टिस प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहां से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, क्योंकि अगेन कोशिश ये नहीं करेगी कि आपको सिंपल क्वेश्चन फेंक के खुश करा जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहां पर आप लोग थोड़ा सा सोचें और आप अपने पढ़े हुए को अप्लाई करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कंसीडर द गिवन फोर स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहां पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन दिया गया है। चार स्टेटमेंट क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पिट्स इंडिया एक्ट created a 5-member Governor General Executive Council. Charter Act of 1833 ended the activities of East India Company as a commercial body. तो दोस्तों अगेन यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, पढ़ के आपको मजा जरूर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान ही रखना है कि यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत करवा देगी। हम लोग हजार बार ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं, आप में जितने भी बच्चों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है पहला चैप्टर ही है, लेकिन पेपर में हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, या फिर बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर बहुत प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हम क्रिटिकल वर्ड्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल वर्ड क्या है कि यहाँ पर ये फोर्ट विलियम होना चाहिए जो कि कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है, फोर्ट सेंट जॉर्ज उस टाइम पर मद्रास का एक जो फोर्ट था अंग्रेजों का। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई जो कि कलकत्ता में थी। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन आया, आगरा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया, इनकी जो गवर्नमेंट थी यहां से भी कुछ मेंबर लिए गए इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन वो सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर एक मेंबर रिड्यूस किया गया था, पहले 5 थे अब 4 मेंबर हो गए थे इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 2 and 4। अगेन पढ़ा हुआ है लेकिन अप्लाई करने में अगर गलती हो रही है तो दोस्तों इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होने वाली है। ये मैं आपको इस मॉक टेस्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ना हमारी सिलेक्शन गारंटी नहीं करेगा, हमें पेपर में अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच वाला कि आपको दो लिस्ट दी गई है, पहले में प्रोविजन है दूसरे में आर्टिकल है और आपको लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, यहां पर है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने PYQ सॉल्व कर रखे हैं तो आपको पक्का मदद मिलेगी, लेकिन PYQ आपके टिप्स में होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक PYQ पूछा था 2019 के पेपर में शायद, कि अगर स्पीकर को किसी मेंबर को अलाउ करना है कि वो अपनी मदर टंग में पार्लियामेंट में भाषण दे तो वो किस आर्टिकल को यूज करके उस मेंबर को अलाउ कर सकता है। ये क्वेश्चन था जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने HPS एग्जामिनेशन में पूछा है, और वहां पर आंसर अगर आप लोगों को याद है कि आर्टिकल 120B मतलब 120 क्लॉज 2, तो वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि लैंग्वेज का आर्टिकल जो है वो है 120। तो आपके दो ऑप्शन सी और डी तो ऑटोमेटिकली एनिमिलेट हो गए। तो दोस्तों यही एडवांटेज आपने लेना है कि आप लोगों को PYQ को यूज करना है। फिर अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो हमारे जो पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल है वो 70 से लेकर लगभग 123 तक आते हैं। तो यहां पर आप लोगों को पता लगेगा कि पहले राज्यसभा के रिगार्डिंग आर्टिकल आएगा, तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 80, तो आपका ए का वन आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली बी हो गया। दोस्तों यहां पर मैं अगेन आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्मार्टनेस होनी बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 केसेस दिए गए हैं और आपको इनको अरेंज करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगेन थोड़ा लॉजिक लगाइए, आप लोगों को 100% पता है कि भाई ये केस तो 1973 का है,
ये आपको 100% पता है, लेकिन आप लोगों को ये डाउट है कि मिनर्वा मिल केस कब का है और जो हमारा गोलकनाथ केस है वो कब का है। तो आप लोग जानते हैं कि केशवानंदा भारती केस में गोलकनाथ जो केस की जजमेंट है वो ओवरटर्न करी गई थी, मतलब गोलकनाथ का केस जो है वो पहले होगा किससे, 2 से। तो 4 आपका पहले आना चाहिए 2 से, कहीं भी आए लेकिन 4 पहले होगा और 2 बाद में होगा। तो यहां पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और दो ही ऑप्शन आपके पास बचे, सी और डी। दोस्तों अगेन क्यों, तो होलोहन केस कौन सा है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, जहां पर बोला गया है कि जो स्पीकर का पावर है टू डिसाइड कि वेदर अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और नॉट, वो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है। तो 52nd अमेंडमेंट के बाद आया है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसके बाद ही आपका क्या होगा, क्योर तो होलोन केस, तो ये इन दोनों के बाद ही आना चाहिए। तो आपका जो 3 है वो 4 और 2 के बाद आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। देखो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि अगर लिमिटेड नॉलेज भी है, हर चीज आपको ऑप्शन में नहीं भी पता है, तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें, ठीक है। मैं आपको नहीं बताया कि कौन से ईयर में कौन से केस हुए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। और आई होप कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। यहां पर अगेन मैंने आपको ईयर नहीं बताए थे, मैं आपको ईयर बताया था 1980, ठीक है, ये है 1992 और ये है हमारा 1967, लेकिन अभी बिना ईयर जाने भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉज माई प्रैक्टिस टू यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि उसको सिक्योर करनी है अपॉर्चुनिटीज फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों का अच्छा विकास हो, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करे, स्टेट प्रोवाइड करे। दोस्तों ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, लेकिन बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इस आर्टिकल को बाद में ऐड किया गया, और ये आर्टिकल है 39 का ई स्टेटमेंट, मतलब छठी स्टेटमेंट थी जो, सॉरी एफ आएगी, छठी स्टेटमेंट जो थी वो आपकी ये आर्टिकल थी। तो यहां पर आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। दोस्तों मैं आप लोगों से जानना भी चाहूंगा कि आपको पॉलिटी का पेपर कैसा लगा, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आपको यहां पर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव दिए गए हैं और आपको इनको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस होल्ड करता है। और अगेन ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा था हमारे बहुत सारे पॉलिटी के लेक्चर्स में जो हम स्थापना में आपको करवाते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि सारे एमपी आपके ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। भावना 47 रॉन्ग कैसे कर दिया, काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि आपका रैंक बहुत अच्छा है और आप बहुत रेगुलर बहुत अच्छे आंसर देते हो, एक्सपेक्टेड नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिल्कुल, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल बिल्कुल, गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी, तो चारों ही हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 49। विच अमंग द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ एल एम सिंघवी कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 2019 के पेपर में अगेन थंगबोन कमेटी की रिकमेंडेशन डायरेक्टली पूछी गई थी, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आइडिया देना चाहता था कि आप लोगों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितनी भी वहां पर कमेटी हैं, हम बात करें हमारी पहली बलवंत राय मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, थंगबोन कमेटी, ठीक है, ये सारी कमेटीज की जो मेजर मेजर रिकमेंडेशन है आप लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये तीनों ही, कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन, न्याय पंचायत बनाइए क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए, और अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन में कोई इशू आता है तो उसके लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल बना दीजिए। तो ये तीनों ही बातें हमारी एल एम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। दोस्तों अगेन मैं आप लोगों से बार बार पूछना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट दे के कुछ मजा आया या नहीं आया, क्योंकि अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं नंबर काउंट करने के लिए, हमने 50 दे दिए 51 दे दिए, तो ये फिर पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट के बाद आपकी कुछ लर्निंग हो रही है, आप कुछ सीख रहे हैं और वो जो मिस्टेक आप यहां पर कर रहे हैं उसको आप फ्यूचर में कमिट नहीं करेंगे, ऐसा प्रण ले रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कि इनमें से कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर नहीं है। यहां पर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अ यूनिटरी फीचर। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि जो सुप्रीम नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं एक यूनिटरी फीचर नहीं है, वो एक तरह की फेडरल फीचर है, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की ही पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिलिनेट कर दी है, सेपरेटली बता दी है, लेकिन इनके साथ साथ आपका जो क्या कहते हैं सेपरेशन है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि जो अब आपकी स्टेट की पावर है वो सेंटर जो है वो इंक्रोच नहीं कर सकता है। तो दिस इज बेसिकली द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आपका राइट आंसर होगा। पेपर में गलत था, पेपर में क्या था, मुझे लगता है कि पेपर में बी ही ऑप्शन था इसका, कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ यूनिटरी फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिटरी फीचर, ठीक है।
इंटीग्रेटेड जुडिशरी अगेन यूनिटरी फीचर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट अगेन अ यूनिटरी फीचर, क्योंकि यहाँ पर सेंटर कहीं ना कहीं आपका इंक्रोच कर रहा है इन द स्टेट डोमेन। पेपर में गलत किया था, कोई बात नहीं अभिषेक, लेकिन आपने अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों एक क्वेश्चन इस बार प्रेसिडेंट के टॉपिक पर पक्का आने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन थे इस साल और प्रेसिडेंट का टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर ये तो है, ये भी है कि 35 की एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए चुना जाना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए इन लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन ये एक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली एमपीज के लिए है, लेकिन यहां पर इनके लिए क्वालिफिकेशन ये नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, डी। अगला क्वेश्चन है 52, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको चार स्टेटमेंट दी गई थी, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहां पर आपको डाउट ये आएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिल्ली बोला गया है। दोस्तों हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिल्ली को एक मेजर सीट बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल आया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सॉल्व करते हैं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 में क्लियर प्रोसीजर बताया गया है, उसके थ्रू ही इनको इंपीच किया जाएगा, निकाला जाएगा। द सैलरी ऑफ आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, यहाँ पर पार्लियामेंट इनकी सैलरी बताता है। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू कर्टेल, नहीं, कर्टेल नहीं कर सकता, लेकिन इंक्रीज जरूर कर सकता है जुरिस्डिक्शन। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, बी सी डी गलत है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं 53 पर, जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है। तो दोस्तों ये भी बताओ कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से बता दियो कि सर इकोनॉमिक्स में मजा आया नहीं आया। अब हम आगे इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन था कि जब बजट डेफिसिट है उसका मतलब क्या होता है। तो अगेन देखो, एक क्वेश्चन डेफिसिट पे हमें देखने को मिल सकता है, खासकर जो हमारी बजटरी पूरी हमारी फिस्कल पॉलिसी है वहां से क्वेश्चन आएगा कि रेवेन्यू कंपोनेंट कौन सा है, कैपिटल कंपोनेंट कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो यहां पर आपसे बजट डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो बजट में जितना रेवेन्यू आया और जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट। तो डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। ये जो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स, ये नहीं, डिफरेंस बिटवीन नहीं है, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ये अगेन आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी है, जहाँ पर आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो हमारी रेपो रेट है बहुत सारे टूल्स यूज करता है, जिसको हम क्वांटिटेटिव टूल की डेफिनेशन में पढ़ते हैं एंड क्वालिटेटिव टूल्स की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है। देखिए कॉल मनी मार्केट अगेन मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है, कमर्शियल पेपर तो एक और तरीका है पैसे जनरेट करने का, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये दोनों ही आपके क्या है, ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के, जो हमारी मनी सप्लाई है मार्केट में उसको कंट्रोल करने के। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आपसे नॉट पूछा है, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी ने बी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, अगेन एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा होता है। देखिए हर एक कंट्री अपना एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करती है ताकि उनको जो इकोनॉमी लॉस हो, जब इकोनॉमी डाउन जाए तो उस टाइम मैनेज करने में आसानी हो और हम अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह अच्छे से कर पाए, बीओपी क्राइसिस ना हो। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स पार्ट है, गोल्ड स्टॉक हिस्सा होता है, एसडीआर होल्डिंग होता है, रिवर्स ट्रांचे जो है हमारी आईएमएफ के साथ वो भी हमारा हिस्सा होती है। तो यहाँ पर तीनों ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है। तो बहुत बढ़िया, 58 का आंसर डी है, भावना भी डी कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गिनी कॉफिशियंट। दोस्तों आप लोगों ने पक्का पढ़ा हुआ गिनी कॉफिशियंट के बारे में। गिनी कॉफिशियंट एक मेजर है कि किसी कंट्री में या किसी अक्रॉस द कंट्रीज में क्या इनकम या वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन में कितना इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम और वेल्थ बिटवीन नेशंस और विद इन अ नेशन मेजर अगर आपने करना है तो आप गिनी कोफिशिएंट यूज करते हैं। यहाँ पर इसका जो नंबर है वो 0 से 1 तक वेरी करता है। अगर नंबर 0 के आसपास है तो मतलब बहुत कम इनइक्वालिटी है और अगर 1 के आसपास है तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 56 का ए। अगला क्वेश्चन है 57, यहाँ पर आपको कुछ प्लान दिए गए हैं और उनके सामने है कि उनका जो मोटो था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उस प्लान का वो कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट प्लान आप लोग सब जानते हैं कि 1951 से 56 आया,
और यहाँ पर हमारा एक ही फोकस था कि भाई हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट में फोकस करना है, मतलब एक पूरा जो समाज है उसको हमें डेवलप करके चलना है ताकि इक्वालिटी हो। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लान में 1952 में हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सेकेंड प्लान जिसको हम महलनोबिस प्लान के नाम से जानते हैं, जो कि इसके आर्किटेक्ट थे, तो उसके बाद हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। मतलब हम चाहते थे कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हों ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हमारी इकोनॉमी को भी मदद मिले। तो सेकंड प्लान का जो एम था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ए का टू बी का वन आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं फोर्थ प्लान पे। दोस्तों फोर्थ प्लान तक आते आते 1967 पे आते आते हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जोर देना शुरू कर देते हैं। और जो हमारा फिफ्थ प्लान था इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीबी हटाओ का आंदोलन आया 1971 के आसपास, तो वहां पर हम मिनिमम नीड प्रोग्राम पर आ गए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी ए का टू बी का वन सी का थ्री एंड डी का फोर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। आपसे बोला कि अगर एक आदमी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाए, मतलब एक जॉब आप कर रहे हो ऑलरेडी और आपको लग रहा है कि यार नई जॉब सही नहीं है, मैं किसी और जॉब पे स्विच ऑफ करता हूँ, आप उस नई जॉब पे गए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई कुछ टाइम के लिए उसको हम क्या बोलेंगे। दोस्तों उसको हम जैसे जानते हैं कि उसको फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 58 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, तारापुर कमेटी। दोस्तों अगेन एक कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आती आता है, रंगराजन कमेटी हो गई, उर्जित पटेल कमेटी हो गई, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी हो गई, सिमिलरली हमारी तारापुर कमेटी हो गई। तो तारापुर कमेटी कैपिटल जो हमारी मार्केट है, कैपिटल जो हमारा अकाउंट है उसके ऊपर जो फुल कन्वर्टिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर मान लो आप फॉरेन करेंसी से कुछ आपने फॉरेन करेंसी आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी पैसा आपके पास फॉरेन एसेट है उसको आप कन्वर्ट करवा लोगे, एक लिमिट है कि एक टाइम पर आप इतना ही पैसा कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इट इज ऑन दी फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इन कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तो अभी भी आपकी फुल कन्वर्टिबिलिटी है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप जितना मर्जी पैसा एक्सचेंज करवा सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उसके भी लिमिट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। आपसे बोला है कि इनमें से कौन से डेकेड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी इंडिया की वो मिनिमम थी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन देता 1911 से 1921, ठीक है, 1921 से 1931, और उसके अलावा मैं आपको ये दो ऑप्शन देता तो आंसर हमारा शायद चेंज हो जाता, लेकिन यहां पर क्योंकि सारे ही इंडिपेंडेंस के बाद की बात करी गई थी, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, 2001 से 2011, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो सबसे कम थी पिछले कुछ सालों में इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, अब भावना कह रही है कि 59 का आंसर है बी, सॉरी कैपिटल अकाउंट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगा होगा पक्का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर्स मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द मार्केट। देखिए आप इसको इस तरीके समझिए कि एक गुड है, ठीक है, अभी ये मिल रहा है 10 रुपए का, ठीक है, और लोगों के पास एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है, लेकिन मैंने मार्केट में और पैसा डाल दिया, वाई अमाउंट दे दिया, तो अब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो वहां पर क्या करेंगे, सामान खरीदने जाएंगे, उनके पास पैसा बहुत है कि भाई दो दो हमें दो। लेकिन इस केस को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर आपके रॉ मटेरियल का पैसा बढ़े, रॉ मटेरियल का पैसा मतलब जो सामान आपके बेसिक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, अगर उसका पैसा बढ़े तो उस केस में उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप चाय बनाना चाहते हो, ठीक है, चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती का यूज करना पड़ेगा, चीनी का यूज करना पड़ेगा, दूध का यूज करना पड़ेगा, अगर इन आइटम्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाय बन रही है, उसका भी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां पर मनी सप्लाई का रोल नहीं है, यहां पर इंग्रेडिएंट्स जो है उनके प्राइस रेट का रोल है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। जैसे ही आप स्टेटमेंट वन गलत करते हो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बी सी निकल के आएगा 2 एंड 3। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट चीजों की, रॉ मटेरियल की इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इंग्रेडिएंट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जैसे मान लो पिज्जा खाते हो, ठीक है, अगर आपका चीज का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, आपके ब्रेड का प्राइस बढ़ जाए तो आपके पिज्जा का प्राइस भी बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो भारत में बहुत सारा विदेश से पैसा आना शुरू हो तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो जो गुड्स हैं वो चेज करेंगे, तो चेज करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। जैसे मान लो अभी एक समोसा जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और जो समोसा 10 रुपए का बेच रहा है उसे पता है कि यार अगर मैं 10 से ज्यादा प्राइस बढ़ाऊंगा तो शायद लोग खरीदने नहीं आएंगे, अगर मैं 12 प्राइस करता हूं तो लोग शायद नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोगों के पास इतना ही पैसा है कि वो समोसे के लिए 10 रुपए पे कर सकते हैं। अगर मान लो इंडिया की मार्केट में इंडिया के लोगों के पास और पैसा आ जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें,
तो उस केस में अगर वो प्राइस 2 रुपए बढ़ा भी देगा तो भी लोग आएंगे क्योंकि पैसा है लोगों के पास। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन के साथ, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। दोस्तों अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर बहुत क्वेश्चन लगातार कमीशन ने पूछे हैं पहले भी रेवोल्यूशन के ऊपर। तो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क हम सब जानते हैं, ठीक है, कुरियन साहब यहां पर थे। गोल्डन रेवोल्यूशन एग, नहीं, गोल्डन रेवोल्यूशन हम जूट एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए जानते हैं, तो ये आपका आंसर मैच नहीं होगा और आपसे इनकरेक्टली मैच ही पूछा है। पिंक रेवोल्यूशन श्रिंप हम जानते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम जानते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहां पर हमारा क्या होगा, ये आंसर हमारा इनकरेक्ट होगा। बिल्कुल अभिषेक, सिल्वर इज फॉर एग। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। दोस्तों हिस्ट्री कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग मुझे बताओ कि आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे लगे, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। और अगेन अगर आपको मजा आ रहा है यहाँ पर डिस्कशन में तो प्लीज बताइए, और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, प्लीज पूछिए। मेरा यहाँ पर एक ही लॉजिक है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नॉलेज में आप लोग शायद इस टाइम मुझसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने में शायद मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभिषेक दिमाग कह रहे हैं कि हिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, कोई बात नहीं अभिषेक, आपका तो आज परफॉर्मेंस ही बहुत टॉप लेवल का था यार, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था आपका। क्वेश्चन 63 कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राजा गोपालाचारी के बारे में करेक्ट है, मतलब आपको सी राजा गोपालाचारी जो फॉर्मूला था 1944 का, उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कौन से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली थी कि ही डिमांडेड मुस्लिम लीग टू कॉपरेट विद द कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। देखो सी राजा गोपालाचारी फार्मूला क्यों आया, क्योंकि डेडलॉक बन गया था क्रिस्ट मिशन के बाद, और उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास एक सी राजा गोपालाचारी फार्मूला है, देसाई लियाकत पैक्ट है। तो यहाँ पर कोशिश ये करी गई कांग्रेस के द्वारा कि हम जो हमारी मुस्लिम लीग है उनसे एक फ्रेंडशिप में आए। तो पहली कोशिश ये करी गई कि भाई देखो आप हमारे को सपोर्ट करो ताकि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला पाए, प्लस हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना पाए सेंटर में। तो ये बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग वॉज टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। डिसीजन टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरन स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मेजोरिटी एरियाज वाज टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन इलेक्शन। यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के बेसिस पर डिसाइड नहीं होना था, वहां पर ये बोला गया कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होंगे हम एरिया में प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है कि वहां पे लोग बताएंगे कि देखो क्या हम फेवर में है इंडिया के साथ रहने के या पाकिस्तान के साथ रहने के, तो वो प्लेबिसाइट होता है। यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है, यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बताते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो 3 को अगर आप गलत करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ए 1, 2 एंड 4। क्लियर है, तो 63 का हमारा आंसर क्या था, सॉरी हमारे, हाँ 1, 2 एंड 4 आंसर होगा ना इसका, 63 का ए आंसर भावना। क्वेश्चन नंबर 64, आपको अरेंज करना है फॉलोइंग इवेंट्स को इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको 4 इवेंट दिए गए हैं, पहला है वेबल प्लान, सेकंड है सी राजा गोपालाचारी फार्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको जो सबसे पहले पता है उससे शुरू करते हैं, 1942 एंड 1945, तो आपका 4 पहले आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी सभी अभी आपके पास बचे। तो यहाँ पे सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला मार्च 1944 और देसाई लियाकत पैक्ट जो है वो इनिशियल 1945 में आता है बिफोर वेवल प्लान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 हमारा क्या आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों अगेन इस तरीके से पेपर सॉल्व करना होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। पढ़ा आप सबने हुआ है, आप लोग मानिए इस टाइम पर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन खुद पर थोड़ा भरोसा रखें और चीज़ों को और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में आपको मुश्किल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब हुई थी, 1920 के एंड में शुरू हो गई थी और 1922 तक चली थी, और 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 में, उसके बाद गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। तो यहां पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोला है, तो फोर्थ जिसमें आ रहा है, तो यहां पर फोर्थ नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली डी हो गया। देखो मैंने बाकी स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी स्टेटमेंट क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी वो चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद बंद हो गई थी। ठीक है, यूपी के गोरखपुर एरिया में एक जगह पड़ती है चोरी चोरा, वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, उसके बाद गांधी जी ने बोला ये तो वायलेंट एक्ट हो गया, तो उन्होंने अब्रप्टली जो मूवमेंट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, आपको और कुछ नहीं पता दोस्तों, तो आप देखो कि फोर्थ स्टेटमेंट कहां पर आ रही है करेक्ट में, तो फोर्थ स्टेटमेंट इनमें से कहीं भी नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली आपको लग गया कि भाई इसका आंसर तो डी ही होने वाला है।
अब देखो अभिषेक, आपको पता अगर नहीं है ना कि इलाहाबाद सेशन था, नागपुर सेशन था, तो भी हमारा काम चल रहा है। 5 फरवरी को चोरी चुरी हुआ है, 11 को देखो यहाँ पर कॉल्ड ऑफ है। चोरी चोरा नहीं बोला उन्होंने 5 को, उन्होंने चोरी चोरा 5 को नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि 11 को ऑफ हुआ था। इंसिडेंट तो 6 दिन पहले हुआ था 5 तारीख को, लेकिन मूवमेंट कब कॉल ऑफ करी गई 11 फरवरी को। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद पहली स्टेटमेंट बिल्कुल नागपुर सेशन 1920 जो कि दिसंबर में हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीआर दास जो थे वो पहले मान नहीं रहे थे, अलाहाबाद सेशन में वो नहीं माने थे, लेकिन बाद में वो मान गए थे नागपुर सेशन में। जो ये मूवमेंट है काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया माले, ये सभी जामिया मिले उसी टाइम बने थे। और प्रपोज बायकॉट ऑफ इलेक्शन ये सब आप लोग जानते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। वो अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी। देखिए आप लोगों ने सबने पक्का सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में, कि सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों को एक सबक सिखाना चाहते थे वो वहां पे गए थे, तो उस टाइम वहां पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों को एक होल, एक छोटे से रूम में बंद कर दिया, और उस रूम में काफी सफोकेशन थी और काफी लोग मरे गए थे अंग्रेजों के हिसाब से। तो ये क्या है, होल में पुश नहीं किया भावना, एक छोटा सा कमरा था, एक कोठरी थी, ठीक है, बहुत कम साइज की, और वहां पे बहुत सारे लोग बढ़ दिए थे, तो सफोकेशन की वजह से वहां पे बहुत सारे लोग मरे, और उसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू सिराजुद्दौला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि इनमें से कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आपकी हुई थी तो कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें ये तीनों तो पक्का है, लेकिन पहले में केटी पॉल भी थे। तो यहां पर चारों ही लोगों ने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि आपको मुझे बताना है कि जब राजा राम मोहन राय ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने, उन्होंने बनाई थी ब्रह्म समाज, तो उसको काउंटर करने के लिए जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1830 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, काउंटर करना। किसको काउंटर करना, हमारे राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज को। तो राधाकांत देव ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था धर्म सभा, बिल्कुल ठीक है, और भावना बिल्कुल सही कह रही है, अभिषेक दिमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपनी बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, कि ब्रह्म समाज कब बना, राजा राम मोहन राय की बुक्स के नाम क्या क्या थे, जल्दी बताइए मुझे, परसेप्ट ऑफ जीसस एक बुक का नाम था, दूसरी बुक का नाम क्या था, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69, आपको मुझे बताना है कि जो कौन सा एक्ट था जिसने ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एंड किया। देखिए ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है, कि भारत से ट्रेड करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी को थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको एंड किया गया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आनंद, बिल्कुल सही भावना, कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एक दूसरी बुक थी, पहली थी परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, कि यहां पर आपको अगेन चार स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार बाय वैरन हस्टिंग, तो वैरन हस्टिंग तो नहीं, लॉर्ड कैनवेलिस होने चाहिए यहाँ पर, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। द जमींदार वर मेड ओनर्स ऑफ द लैंड एंड ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी, बिल्कुल सही बात है। कल्टीवेटर वर रिड्यूस टू लो स्टेटस, बिल्कुल सही बात है। जमींदार वर टू की 50%, नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि 10/11 फॉर्मूला था, कि 10/11 सरकार को जाएगा और 1/11 जो कल्टीवेटर है या जो जमींदार है वो अपने पास रखेंगे। तो यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन ए 2 और 3। क्लियर है, थम्स अप कर दो एक बार चैट बॉक्स में अगर मजा आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर अगले पर जाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 71। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ प्रोपोजिशन रैशनलिज्म इज आवर होली ओनली परसेप्टर। आपको मुझे बताना है कि किसने बोला था कि जो रैशनलिज्म है, रैशनल का मतलब क्या है, कि जो सही है वो लॉजिक के बेसिस पे सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराने लोग मानते आ रहे हैं तो वो हम भी मान लें, ऐसा नहीं। ये किसने बोला था दोस्तों, दिस इज अ पॉपुलर स्टेटमेंट बाय ए के दत्त और अक्षय कुमार दत्त, ठीक है, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, हिस्ट्री के 72 क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, इनकरेक्टली। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कानपुर नाना साहिब, बिल्कुल सही बात है, सही मैच है, तो लखनऊ बेगम हजरत महल, सही मैच है। बिहार से कुंवर सिंह थे और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था, ये दोनों आपके इनकरेक्टली मैच हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इनकरेक्ट करेक्ट का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं बुलाऊंगा सुरेंद्र सर को, जो आपको साइंस के एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो और थोड़ा सा एक हल्का सा करेज शो करो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो करो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर हो और आप लोग एक अच्छी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पिछले जो एचपीएस 2020 में देखे थे वहां पर हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि करंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड थे जनरल साइंस के, पर उसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से आए थे, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा का क्वेश्चन आपको याद होगा 2020 में जो हमने देखा था, राइट? उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है जहां पर टी सेल्स एंड बी सेल्स ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया कि टी सेल्स एंड बी सेल्स आर पार्ट ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, इननेट इम्यून सिस्टम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इननेट यानी कि इम्यून सिस्टम में ऑलरेडी है और यस वो होता है, बट देन उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इम्यून सिस्टम और हमारा बॉडी खुद ही डिसाइड करता है, तो वो चीज नहीं होती है। एक्चुअली टी सेल और बी सेल बाहर से जो भी पैथोजेंस आते हैं उनके बेसिस पर वो रिएक्ट करते हैं, मेमोरी उनकी होती है और उसके बेसिस पर वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, टी सेल एंड बी सेल एक्चुअली काइंड्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि दूसरा स्टेटमेंट ये सही है पर पहला वाला सही नहीं है। इननेट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ठीक है, एक्वायर्ड यानी कि वो चीजें एक्वायर की जाती हैं जहां पर ये दोनों टाइप के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एक्वायर करते हैं कि किस तरीके के पैथोजेंस के अगेंस्ट किस तरीके का रिएक्शन हमें देना है और इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, राइट? तो ये चीज होती है। Yes, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे ही ये हमें समझ में आता है हम अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी में हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है। लेट्स आपको ये नहीं पता है, लिम्फोसाइट्स वाला स्टेटमेंट सही है। कार टी थेरेपी, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, थोड़ा सा अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है हमारे कमीशन के क्वेश्चंस का, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि करंट कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इन जनरल साइंस, तो इस तरह का आ सकता है। और ये जीनोम एडिटिंग टेक्निक आर यूज टू मेक टी सेल्स टारगेट कैंसरस सेल्स, ये चीज एब्सोल्युटली सही है। ये टेक्निक यूज की जाती है कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट, क्रिस्पर कैस9 ZFN और TALEN, ये सारे टेक्निक्स है जीनोम एडिटिंग के, जहां पर हमारा जो DNA है या फिर आरएनए है ये सारे जो है एडिट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स। तीनों ही यहां पर सही है, तुम्हारा सही जवाब हो जाता है बी। एंड आई थिंक यहां पर आनंद ने सही जवाब दिया है, भावना बी इज द आंसर, एचएस एस्पिरिन डी कह रहे हैं। ओके, नो आइडिया अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर आपको पहले स्टेटमेंट पर आइडिया होता। देखिए यहाँ क्वेश्चन किस तरीके का है, ऑल्दो करंट रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट से अगर आपको बेसिक पता होता इनके बारे में तो आप थोड़ा सा इसको आंसर कर पाते, राइट गेस? तो ये चीज थी, इसमें डायरेक्टली आपको आंसर तक पहुंचा रहा है। इसी वजह से एग्जाम में भी आप इस तरीके के लेंथी स्टेटमेंट अगर देखो तो डरना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, वर्ड्स वहां पर क्या डिपिक्ट कर रहे हैं वो आपको देखना है, एंड देन यू हैव टू आंसर। ऐसा होता है कि एक चीज एक भी स्टेटमेंट पता हो तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होकर एक आंसर हमारा आ जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यहाँ दिया गया है WHO के हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स इन विच द जेनेटिक मटेरियल DNA हैज बीन अल्टर्ड इन अ वे दैट डज नॉट अकर नेचुरली, तो ये काफी जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये तो सही होना ही है। ये चीज अगर आपने थोड़ा सा भी साइंस थोड़ा सा भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा आपको पता होगा। दूसरा देखिए, ग्लोबली GM क्रॉप्स वर कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, वी मे नॉट नो दिस, हमें ये चीज पता नहीं होगी, ईयर तो एग्जैक्टली नहीं याद रहता। GEAC under Indian government is responsible for appraisal of proposals relating to release of genetically engineered organisms, तो ये चीज absolutely सही है। GEAC जो agency है वो अप्रूव करती है कि इस तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमें करने हैं या नहीं, इनकी क्या एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस होंगे उनके बेसिस पर अप्रूव करती है, एंड इसको जो फाइनल कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिलता है बाकी मिनिस्ट्रीज एंड मेनली हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है एंड साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री है उनके थ्रू ये मिलता है, एंड फाइनली कैबिनेट डिसीजन लिया जाता है, राइट? तो ये चीज है यहाँ पर इन्वॉल्व, और ये एजेंसी का जो काम है वो चीज सही से यहाँ पर दी गई है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, BT कॉटन, BT ब्रिंजॉल और ओनली GM मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, और तो काफी लंबा चौड़ा यहां पर स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, BT ब्रिंजॉल हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, ये चीज आप जानते होंगे, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से आपने एलिमिनेट किया, अगर 4 को एलिमिनेट किया तो ये दोनों एलिमिनेट हो जा रहे हैं,
फिर आपको पता है कि 1 and 3 तो सही है, सो डी इज द आंसर. इवन इफ यू डोंट नो यहाँ का ईयर या फिर ये चीज आपको अगर पता नहीं है तब भी आप आंसर कर सकते हो. ये एक्चुअली 1996 है और ये थोड़ा सा ट्रिक का जो है खेला गया था कि इससे, और ये होता भी है, कमीशन भी देता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो डी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. चेस एस्पिरेंट आनंद ने भी, भावना ने भी सही जवाब दिया है. आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज केसलर सिंड्रोम. ओके, तो थोड़ा सा हमने ट्रेंड ऐसा रखा है कि लेटेस्ट जो चीजें हैं वो भी हम इंक्लूड करें, करंट में जो चीजें आ रही हैं वो भी इंक्लूड करें. पहला स्टेटमेंट देखिए, कंडीशन ऑफ हैविंग हैलुसिनेशन, नौशियास एंड हेडेक ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. बहुत ही अलग है ये टॉपिक, ये जो है रेडियो एक्टिव सिकनेस इसे कहा जाता है. केसलर सिंड्रोम ये नाम भी आपने सुना होगा तो आराम से इसको आंसर कर पाओगे. इसके साथ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट right. Change in chemical composition, one substance induced changes in chemical composition of nearby objects. तो ये चीज भी सही नहीं है. And Kessler syndrome actually low earth orbit में जो artificial satellites हम छोड़ रहे हैं और उनके जो parts waste हो जा रहे हैं, they are revolving around in the orbit. ठीक है, और उसके वजह से जो आगे के हम satellites छोड़ेंगे और वो satellites वहां पर sustainable तरीके से जो है revolve नहीं कर पाएंगे and अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है कि ये इसे एक सिंड्रोम का नाम दे दिया गया कि ये आगे जाकर बहुत ही ज्यादा जो है हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं और हम सैटेलाइट्स कभी यूज ना कर पाए. तो डी हियर इज द राइट आंसर. और इसके साथ में एक करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड, स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड, हमारे इसरो का एक बहुत ही अच्छा सा जो है इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है. उस इनिशिएटिव का नाम अगर आपको पता है, स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड रिसेंटली न्यूज में था इसरो का एक इनिशिएटिव. सो डी इज द आंसर हियर. क्वेश्चन 76 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आरएनए के जो न्यूक्लियो बेसिस में से कौन सा यहाँ पर गलत है, वो चीज पूछी गई है. एब्सोल्युटली राइट अभिषेक बता रहे हैं, नेत्रा इज एब्सोल्युटली राइट. बहुत बढ़िया अभिषेक. एंड यहाँ पर देखिए, आरएनए की अगर हम बात करें तो एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, ये तीनों तो सेम होते हैं आरएनए एज वेल एज डीएनए में, बट थायमाइन जो होता है वो डीएनए में होता है, आरएनए में वी हैव यूरासिल. ठीक है, ये हमारे बेसिस होते हैं इन द डीएनए एज वेल एज आरएनए. तो यहाँ पर जो आप ये लाइंस देखते हो तो दीज आर द न्यूक्लियो बेसिस. ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज थायमाइन विच इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट. और यहाँ यस राजेंद्र एब्सोल्युटली करेक्ट, 76 का जो है सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी. ठीक है, तो टीबी के प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है बीसीजी, ये जो है मलेरिया एंड ये सर्वैक. अगर हम ये चीज देखें तो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ये है, साथ में रोटावैक की अगर हम बात करें तो रोटा वायरसेस के अगेंस्ट ये वैक्सीन है. यस, 77 का आंसर ए आनंद दे रहे हैं. यस बीसीजी, यस अभिषेक का भी आंसर सही है, शिवानी सही, अक्षय का भी आंसर सही है. Yes, right. तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 78, when sulfur is heated with rubber, sulfur with rubber and this process को हम क्या कहते हैं, right? यहाँ options में आप देख रहे हो galvanization, sulfonation, vulcanization या फिर hydro desulfurization. तो इसका जो है काफी basic ये question है. और जब rubber को, rubber में हम natural rubber जो है उसके काफी properties को modify करने के लिए, elasticity एक example हो गया, उसके लिए हम sulfur को जो है add करते हैं और वो rubber के जो polymeric chains होते हैं उनमें sulfur add हो जाता है और उसके साथ उसके properties modify होते हैं. इस process को हम vulcanization कहते हैं. सी The right answer. Galvanization के बारे में अगर आपको पता है आप बता सकते हो मुझे in the comments. और साथ में सल्फोनेशन जो है इसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है. हाइड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन जहां पर जो हाइड्रोकार्बन हमें देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उनमें से सल्फर के कंटेंट को रिमूव किया जाता है, राइट? तो वो एक प्रोसेस है. इसके साथ गैल्वनाइजेशन अगर मैं बताऊं तो दैट इज यूज्ड फॉर रस्टिंग. रस्टिंग यस एब्सोल्युटली आनंद कह रहे हैं, टू डिक्रीज रस्ट फॉर्मेशन. और इसमें जिंक का यूसेज होता है. बहुत बढ़िया डॉक्टर प्रवेश, सही कह रहे हो आप. 79, विच ऑफ दीज प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये पूछा गया है. यस राइट राइट एचएस एस्पिरेंट अभिषेक सही कह रहे हो. तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए उसके यूनिट्स के साथ जो कि है बार, और यहाँ हमें सही आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा विच इज बी आइसोबारिक. आइसोकोरिक इज कांस्टेंट वॉल्यूम
एडियाबैटिक होता ये है कि देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, और आइसोथर्मल जो है एज द नेम सजेस्ट वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है. आइसोबारिक इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, सेम प्रेशर बट विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी हीट और एनर्जी, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, क्वेश्चन 80 देखिए, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है. डॉपलर इफेक्ट कब हम नहीं देखते हैं? तो डॉपलर इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सोर्स, लेट से आप यहाँ पर खड़े हो, या फिर रिलेटिव मूवमेंट हम कह सकते हैं, बिटवीन द सोर्स ऑफ अ साउंड और उसके साथ में द पर्सन और द ऑब्जेक्ट दैट इज लिसनिंग. लिसनर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट अगर होता है उसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, जिसमें होता यह है कि कुछ जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमारा साउंड है वो वेव्स के थ्रू मूव करता है, और उसमें जब ये मूव करता है तो एक जो पीछे की तरफ है वहां पर ये वेव्स एक्यूमुलेट होते हैं, आगे की तरफ ये वेव्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, राइट. तो इसके वजह से वेरिएशन आ जाता है फ्रीक्वेंसी में, और वो साउंड जैसे कार जाती है ऐसे जुई ऐसे जो साउंड आता है ना अलग सा, उसे हम मानते हैं पार्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. और ये हम तब नहीं देखते हैं जब हम कह सकते हैं कि the velocity of sound and listener is equal to or greater than the sound velocity. ठीक है, तो ये condition है जिसमें आप Doppler effect नहीं देखोगे, और ये जो frequencies vary हो रहे हैं आगे और पीछे वो variation नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, तो the 80 का सही answer होगा A, when this thing happens. Yes, दिमाग में उस समय कुछ नहीं आया, पढ़ा तो है. Yes, yes, absolutely ये होता है, इसीलिए हमें दिमाग जो है बहुत ही फ्रेश रखना है. और कई बार हम ये करते हैं कि एक दिन पहले बहुत कुछ रिवाइज करने की कोशिश, सुबह भी बैठे हैं पूरे बुक्स लेकर, हाँ थोड़ा बहुत आपको देखते रहना चाहिए, बट देन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना. एक दो दिन पहले यू हैव टू मेक योर माइंड, जो भी पढ़ा हुआ अभी तक पूरा जो है बेकार चला जाता है. तो ये चीज़ हमें करनी है कि दिमाग को बहुत ज़्यादा फ्री रखना है, और इससे तरीके के मिस्टेक्स हमें नहीं करने जो हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आनंद कह रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एच एस एस्पिरेंट कह रहे हैं यहाँ पर. ओके, यस, अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड हाइपरसोनिक, एब्सोल्युटली करेक्ट आनंद, सही कह रहे हो. ओके, 80 का सही जवाब है ए. 81 अगर हम देखें, कलरलेस गैस दैट एक्ट्स एज अ सिग्नल हार्मोन. ठीक है, हार्मोन्स तो एक्चुअली बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, बट देन हम बात कर रहे हैं अबाउट अ गैस दैट एक्ट्स एज अ हार्मोन. ठीक है, हार्मोन का काम ये होता है कि किसी चीज की शुरुआत करना या फिर एक रिसेप्टर को इफेक्ट करना, ताकि कोई फिनोमेनन हमारे बायोकेमिकल सिस्टम जो हमारा बॉडी में है उसमें स्टार्ट हो सके या फिर स्टॉप हो सके, राइट. तो ये चीज हार्मोन का काम होता है. आपने कई हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो. यहाँ पर इस तरीके का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, लॉफिंग गैस भी इसे कहा जाता है, एंड इट एक्ट्स एज अ सिग्नल हार्मोन बिकॉज ये जो है स्टिमुलेट करता है एक तरह की टिकलिंग सेंसेशन इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ये चीज है, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये सारे जो नाम हम देख रहे हैं सभी हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बींग्स अगर वो कंज्यूम हो गया. यस, आगे. ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हो, यहाँ पर सही जवाब होगा बी. ओके, 81 द आंसर इज बी. 82 की अगर हम बात करें, यहाँ मैच करना है बहुत ही स्टैंडर्ड ये जो साइंटिस्ट के नाम है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, तो ये हम इमीडिएटली मैच कर देंगे विद टू. जैसे ही ए को टू से हमने मैच किया, हमारा सही जवाब यहाँ पर आ गया, एवरीथिंग एल्स इज एलिमिनेटेड. तो ये चीज आपको देखनी होती है कि ऐसा हो रहा है क्या, बाकी चीजें पता नहीं भी हो तो आप सही जवाब तक पहुंच सकते हो. अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रेडरिक बैंटिंग, ये जो है इंसुलिन, और यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवरी की थी पेंसिलिन की. यहाँ पर हमें जो है डरना नहीं है, हमें शायद ये तीनों पता होंगे, ये नहीं पता, बट यू डू नॉट नीड टू नो जिस तरीके के क्वेश्चन बनाए. यही चीज एग्जाम में भी करनी है दोस्तों, देखते रहो कि क्या आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो जो भी चीज आपको पता है उसके बेसिस पर, और आपको जो है बाकी ऑप्शन से डरना नहीं, सभी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है. यस, अक्षय कह रहे 1945 में गॉट द नोबेल प्राइज इन 1945. ओके, पेंसिलिन के डिस्कवरी. यस, राइट. 83 क्वेश्चन देखिए, अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहे हैं ऑफ करंट अफेयर्स, राइट. तो यहाँ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहले स्टेटमेंट में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम, ये चीज कही गई है. दूसरा, 14 डिजिट डिजिटल हेल्थ आईडी जो है वो दिया जाएगा, जनरेट फॉर ईच बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम. तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो हेल्थ रिकॉर्ड है ऑफ द सिटीजन वो बनाने की कोशिश,
और इसे जो है हर एक व्यक्ति को 14 डिजिट का हेल्थ आईडी डेफिनेटली दिया जाएगा. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बट पहला जो है नेशनल हेल्थ एजेंसी है इसका सही जवाब, विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, नॉट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. इस तरीके से देखा जाए तो डी इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली आनंद, भावना एंड अभिषेक के जवाब यहाँ पर सही है. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट. आगे कंसिडर दी स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अग्निपथ स्कीम. तो ये जो स्कीम्स है ये इससे रिलेटेड काफी इलैबोरेट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल्स है, कुछ ही डिटेल्स होते हैं दोस्तों, उनको आपको याद रखना है. वो डिटेल्स आप याद रखो और उनमें से एक भी स्टेटमेंट आप सही से जो है वहां पर देख पाओ और एलिमिनेट कर पाओ तो आराम से आंसर बन जाता है. तो आपको जो है सही से इनको पढ़ना. इट इज अ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री. तो पैरामिलिट्री इज नॉट इन्वॉल्व, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इज इन्वॉल्व, ऑल्दो आगे जाकर सोचा जा रहा है, बट नाउ पैरामिलिट्री इज नॉट इन्वॉल्व. ठीक है, जब वो इंडक्ट होकर बाहर निकलेंगे उसके बाद सोचा जा रहा है ऑब्वियसली टू इंडक्ट दीज अग्निवीर इन टू पैरामिलिट्री, बट अभी के लिए नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इंक्लूडेड, सो येस इट इज अ नोडल मिनिस्ट्री ऑब्वियसली. ऑल इंडियन नेशनल बिटवीन 17 एंड हाफ एंड 21 ईयर्स, इट इज नॉट 23 ईयर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. जैसे ही हमने जो है पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट किया, हम कह सकते हैं कि दो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 and 3 एंड 2 and 4 यहाँ पर बच जा रहे हैं. तो 2 and 3 तो हुआ होगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड डी इज द करेक्ट आंसर. रिक्रूट जो है 4 years के लिए उन्हें एम्प्लॉय किया जा रहा है. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा इसमें सोचने का है नहीं. तो यहाँ अगेन एक लिस्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने है. यस 17 and half to 21 है एक्चुअली अभिषेक. यस ओके 23 तक राइट. अब जो इनिशियली रिलीज हुई है 21 इज व्हाट आई नो, प्लीज इसको जो है क्लैरिफाई कर लेना. राइट, तो 21 इज व्हाट आई नो, इसको देख लेना. ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, इसे हमें मिनिस्ट्रीज जो नोडल है उनसे मैच करना है. ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पीएम मित्रा स्कीम, पीएम वाणी स्कीम और स्वामित्व स्कीम, इनमें से जो भी आपको आता है उसको आप पहले मैच कर लो एंड ट्राई टू एलिमिनेट. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, इसको हम मैच कर सकते हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ए इज मैच्ड विद 1 और इसके साथ में हमारे जो है दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. पीएम मित्रा, इसको हम मैच करेंगे विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पार्क्स और इससे रिलेटेड है ये. यहाँ पीएम वाणी हम जानते हैं कि वाईफाई एंड ये जो है नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. स्वामित्व स्कीम हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने से रिलेटेड है. ओके, तो ए 1 and B जो है 4 से जैसे ही हमने मैच किया हमारा सही जवाब हो जाता है सी, एंड दीज आर द करेक्ट आंसर. ये वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पर पीएम मित्रा जो है टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड है. आगे बढ़ते हुए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली appointed as the first ever women chief of CSIR. Definitely दोस्तों ये या तो statement based या तो standalone question exam में आने वाला है. This is a really good thing and government of India along with that जो commission है हिमाचल की government, they are also promoting women empowerment. तो हम expect कर सकते हैं इस तरीके के questions. यहाँ पर सही जवाब है C, N Kalai Selvi. ठीक है, तो यस सी इज एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन 87 की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अपॉइंट किए गए इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, ये पूछा जा रहा है. कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर, रुचिरा खम्बोज, विनय क्वात्रा, संजय कुमार वर्मा एंड विक्रम दुराईस्वामी. तो ये सारे जो है डिप्लोमैट्स हैं एंड इस वजह से हमें कन्फ्यूज नहीं होना. द करेक्ट आंसर हियर इज रुचिरा खम्बोज, ए इज द राइट आंसर. रिसेंटली ये चीज न्यूज में भी थी. यस सी इज एब्सोल्युटली राइट फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. कविता, अक्षय, आनंद, अभिषेक, भावना, सही कह रहे हो. ओके, तो ए इज राइट इन 87. 88 की अगर हम बात करें, ये तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यस 87 आप दे रहे हो. 88, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है. आनंद ए कह रहे हैं, विक्रम का आंसर है, अभिषेक भी ए कह रहे हैं. इज एब्सोल्युटली राइट, जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित भी इन्हें जो है कहते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर फाइंडिंग्स. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है छोड़ना होता है. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं. यस 49 सीजे आए हैं, अक्षय कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ देखिए, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021, इससे रिलेटेड पूछा गया है. पहली फाइंडिंग है, फ्यूअर देन 1/3 ऑफ कंट्री स्टडीड हैड एक्सप्लिसिटली फंडेड
COVID-19 measures to address climate risk. तो ये जो है क्लाइमेट चेंज से अडॉप्टेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या फंडिंग दी जा रही है, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट था. एंड मेनली इस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है एज फार एज ट्रांजिशनिंग एंड अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न. यहाँ पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो COVID-19 measures to address climate risk, इस तरीके के measures लिए गए हैं by 1/3 fewer than 1/3 of the countries, ये चीज़ इस रिपोर्ट में कही गई है. बहुत ही डीप ये स्टेटमेंट है और इस तरह का स्टेटमेंट अगर आता है तो या तो आपको कंप्लीटली अच्छे से पता है इसके बारे में या तो नहीं, स्किप करना इज द बेस्ट थिंग. द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड एटलीस्ट वन नेशनल लेवल अडॉप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट. यस, ये चीज की गई है. मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के साथ अडॉप्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने लिए हैं. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है और अगर आपने सी तुक्का लगाया होगा बोथ 1 और 2 is the right answer. Okay, Anand कह रहे हैं C is absolutely right. Anand, 90 question देखिए. Who among the following was crowned Miss Universe in 2021? ठीक है, इसका question number 90 का options यहाँ पर हरनाज सांधु, मनुषी चिंदलर, आकृति खरबंदा या फिर निराली खन्ना. ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब यस अभिषेक दे रहे हैं. ए आनंद ने कहा है, विक्रम का भी ए है, शिवानी ए इज राइट, एच एज एस्पिरेंट ए इज राइट. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इससे पहले मिस यूनिवर्स इंडिया से कौन बना था और कब? यस, ये चीज क्या आप मुझे बता सकते हैं? फोर्थ मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया इससे पहले कब बने थे और कौन बना था, क्या आप बता सकते हैं? ऑल दो ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बट देन इफ यू नो. यहाँ पर देखिए, हरनाज सांधु इज द राइट आंसर एंड दिस वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया. आगे बढ़ते हुए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? यस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसके बारे में पूछा गया है, जहां पर नीरज चोपड़ा, लवलीना मनप्रीत सिंह, रवि अश्विन एंड मिताली राज. तो यहाँ पर रवि अश्विन इन्हें नहीं दिया गया है, क्रिकेट में मिताली राज को मिला है एंड बाकी एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एंड मनप्रीत को भी मिला हुआ है. राइट गाइस, उन्हें हॉकी के लिए राइट. तो ये 1, 2, 3 और 5 इज द राइट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. 1, 2, 3 और 5 इज राइट. यस, इट इज लारा दत्ता एक्चुअली, अक्षय राइट. यस, 1, 2, 3 और 5 अभिषेक जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली सही है. रवि अश्विन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है. ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ लेना अच्छे से. एंड यहाँ देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. इट इज लारा दत्ता. ओके, लारा दत्ता. यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. यहाँ पर पीवी सिंधु has clinched women's gold medal in women's singles titles in badminton, which is absolutely right. Badminton men's double pair Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy won the gold. Yes, दोनों ही statements सही हैं. ये सारे जो है badminton में accolades हमें मिले हैं in the Commonwealth Games 2022 and so A, both the statements are correct, is the right answer, जिस तरीके से अभिषेक ने जवाब दिया है. आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कलेक्ट सही आपको जो है स्टेटमेंट्स चुनने हैं. इंडिया मेड इट्स फर्स्ट अपियरेंस इन एन ओलंपिक इवेंट इन 1900. ओके, पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया ने सबसे पहला जो अपियरेंस है इन एनी ओलंपिक इवेंट 1900 में दिया था. कलर दैट रिप्रेजेंट्स एशिया इन द ओलंपिक रिंग्स इज ग्रीन. तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कलर्स हैं और यहाँ पर बोला गया है कि एशिया का जो कलर है वो है ग्रीन. ओके, तो यहाँ जवाब आने लगे हैं. यस, अभिषेक कह रहे हैं येलो फॉर एशिया, एब्सोल्युटली राइट. 1900 में पहली बार हम जो है किसी ओलंपिक इवेंट में गए थे और समर ओलंपिक्स में पहली बार हमने कंटिजेंट 1920 में भेजा था. ठीक है, तो 1900 में पहली बार सिंगल लोन जो है कंटेंडर हमने भेजा था इन एनी ओलंपिक्स 1920 में पहली बार. समर ओलंपिक्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो करेक्ट आंसर विल बी 1920. एशिया के लिए यस येलो है, ग्रीन किसके लिए क्या आप? यस अभिषेक कह रहे हैं ग्रीन इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, एब्सोल्युटली करेक्ट. ब्लू इज फॉर यूरोप एंड रेड इज फॉर अमेरिकास, राइट. यस राइट, ये चीजें हैं जो हमारे रिंग्स होते हैं वो. ओके, तो पहला यहाँ पर हम कहेंगे सही है, सेकेंड इज नॉट करेक्ट. इसी के साथ हम कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट अक्षय, सी इज द राइट आंसर.
आगे कुछ प्लेसेस के नेम भी एग्जाम में आ जाते हैं. यहाँ पूछा गया 94 में कालोचाक मिलिट्री स्टेशन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है, इज इट उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ट्रैजिक इवेंट्स के वजह से ये प्लेस जो है न्यूज में था. एंड यस अभिषेक कह रहे हैं इट इज जम्मू एंड कश्मीर, जेके जम्मू एंड कश्मीर सी इज द राइट आंसर. यहाँ पर जो है ड्रोन्स मिले थे अगेन आफ्टर द अटैक जो जम्मू में हुआ था उसके बाद भी मिले थे एंड इसी वजह से ये न्यूज में था. वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री. थोड़ा सा ऑल्दो ये क्वेश्चन है करंट इवेंट्स का, पर आपको ये जो है आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते थे. यहाँ पर पोलैंड है, नॉर्वे है, फ्रांस है या न्यूजीलैंड है. तो हम जानते हैं कि नॉर्वे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है इन रिलेशन टू वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा वहाँ पर है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्ट है. तो यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट शिप टनल, इससे फर्स्ट शिप टनल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस भी अगर आप करो तो सही जवाब इसका हो जाएगा नॉर्वे. यस आनंद इज द राइट आंसर. अभिषेक शिवानी सही जवाब. 96 देखिए. Which among the following are the authors of the recently released book Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life? ठीक है, तो ये बुक के ऑथर विश्वनाथ आनंद, सुजन मीनन या फिर मैग्नस कार्लसन या सानिया मिर्जा. एब्सोल्युटली राइट आनंद कह रहे हैं AHS एस्पिरेंट. एंड अभिषेक सही जवाब है विश्वनाथ आनंद, ये तो गलत नहीं जाना चाहिए. अगला है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज इंडियाज फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट्स मार्केटिंग. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर. यहाँ पर ऑप्शंस आपके हैं अनिल खन्ना, दिलीप सांघवी, बनवारीलाल पुरोहित और विनीत कार्निक. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यस अभिषेक का आंसर सही है, विनीत कार्निक इज द राइट आंसर. बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स ये इंडियाज फर्स्ट एवर बुक है स्पोर्ट्स मार्केटिंग से रिलेटेड. स्पोर्ट्स पर तो है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग से रिलेटेड ये फर्स्ट एवर बुक है और विनीत कार्निक इज द राइट आंसर. द ग्लोबल गेटवे प्लान जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान है, ये प्लान अनाउंस किया गया है रिसेंटली किस के द्वारा. एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है या यूरोपियन यूनियन है. ओके, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा यूरोपियन यूनियन. और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन. ये अक्षय कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन एंड अभिषेक का आंसर भी डी सही है. आगे यहाँ आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज जो न्यूज में थे उनको मैच करने के लिए दिया गया है विद द मिनिस्ट्री लिस्ट टाइप क्वेश्चन में. जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको अगर आप मैच करोगे तो आपके थोड़े आंसर थोड़े यहाँ पर ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे. जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर मैच हो रहा है विद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. ठीक है, ए इज मैच्ड विद 3. ट्राइफेड के बारे में हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर. ये आनंद कह रहे हैं डी से एब्सोल्युटली सही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था एंड आई थिंक आनंद कंफ्यूज हुए हैं. यस, ये जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ही हम मैच करेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं A3 जो है वो मैच हो रहा है एंड बी इज द राइट आंसर और ट्राइफेड B2 एंड C1 राइट. तो इसके साथ बी इज द राइट आंसर. यस HS एस्पिरेंट सही है, अभिषेक भी सही है. आगे क्वेश्चन 100, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन 2022 का सेकेंड हाफ. कौन से पोर्ट में ये लाया जा रहा है, ये चीज पूछी जा रही है. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके हैं पारादीप, जयगढ़, हल्दिया या एनोर पोर्ट. तो यहाँ सही जवाब अभिषेक दे रहे हैं, यस बी जयगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है, दैट इज द राइट आंसर. तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस दोस्तों. आगे के लिए मैं कुलदीप सर को बुलाना. थैंक यू सर. फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मॉक टेस्ट में मजा आया होगा और ये थी पूरी डिटेल डिस्कशन जहां पर हमने बताया कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना था. दोस्तों अगर आप ऐसे ही और बहुत सारे टेस्टों को चेक करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज है जहां पर हम आपको 30+ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. 6 हिमाचल जीके के, 10+ टेस्ट करंट अफेयर्स के एंड 9 टेस्ट जीएस के, प्लस 4 लेंथ फुल लेंथ जीएस के एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट आपके सी सेट के. तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जहां पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो, बहुत ज्यादा मेहनत करो और बहुत अच्छे तरीके से इस बार के एग्जाम में सक्सेस लेकर आओ. दोस्तों मैं जानता हूं कि बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट मैचेस आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आपकी सक्सेस आपके लिए सबसे बड़ा त्यौहार है. तो कोशिश ये करने की इस टाइम पर कोई भी चीज आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट ना करे, आप लोग मोटिवेटेड रहो, डिस्ट्रैक्टेड ना हो और पूरे मेहनत के साथ आप अपने इस बार के एग्जाम को दो. ठीक है, तो बहुत मेहनत करो, लगे रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लगे रहो और एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए कि भाई इस बार
मुझे अपनी जो सीट है वो पक्की करनी है इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन या फिर एचपीएनटी एग्जामिनेशन, ठीक है। उससे कम में आप याद रखेंगे नहीं आपको मानना है, क्योंकि एक साल वेस्ट होता है, फिर एक साल और लगता है और जो प्रेशर है वो अपने ऊपर क्रिएट करते जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लॉक आप में से सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नर्व्स कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पर ना एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, आप लोग कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट को किसी और बच्चे के साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और नेगेटिविटी आएगी। लेकिन कोशिश यही करनी है कि इस टाइम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि नेगेटिविटी आने से ना और ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप सारा रायता फैला लोगे और फिर आपको समेटने में पूरा एक साल लग जाएगा, ठीक है ना। और पता नहीं नोटिफिकेशन अगली कब आएगी, कब आपका पेपर होगा, तो बहुत लंबी साइकिल चलती है। कोशिश करो कि इसी बार एग्जाम निकाल लो, ठीक है। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, प्लीज अपने रिव्यूज हमें देते रहिए। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप लोगों को आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और आगे आप लोगों के लिए और बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट लेकर आए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दी एंटायर टीम एडुटैब टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आज के मॉक टेस्ट में। और दोस्तों मैं स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आरती दत्त शर्मा को, भावना शर्मा को, विवेक चौहान को, अभिषेक धीमान को, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। जो टॉपर है वो है आरती दत्त शर्मा, जिनके नंबर है 148, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही है, हमारा कोर्स भी परचेज कर रखा है उन्होंने, और उनकी मेन सेंस राइटिंग भी बहुत अच्छी है, और उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। अभिषेक धीमान बहुत मेहनती और बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगेन बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें भावना शर्मा की, एक रेगुलरली परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो काफ़ी मेहनत कर रही हैं, विवेक चौहान, विपुल चौहान, सारे बहुत बढ़िया बच्चे। दोस्तों कंपटीशन टफ है आप लोगों में से, खुद में भी। तो अगर मैं आज के टेस्ट की बात करूं, तो आज के टेस्ट के हिसाब से जो एवरेज कट ऑफ स्कोर मुझे लगता है वो है अराउंड 105। मतलब अगर किसी बच्चे के 105 से ऊपर नंबर हैं तो काफ़ी अच्छा लेवल है, क्योंकि पेपर टफ था, पेपर ईजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल है, इन्वायरमेंट बहुत टफ थी, ठीक है। साइंस भी काफ़ी अच्छी थी और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, हिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल की थी। तो एटलीस्ट अगर आपके 105 प्लस हैं आज के टेस्ट में, तो दोस्तों इट इज़ अ गुड स्कोर। लेकिन कोशिश पक्का ये करनी है कि अपने आज के टेस्ट की गलतियां पक्का नोट कर लें, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई कर लें, और जो चीज़ बची हुई है कवर करने की उसको कवर कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग पढ़ते रहेंगे। और दोस्तों अगेन अगले जो 35 डेज है ना, हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और 16 अक्टूबर को ना शाम को पार्टी करेंगे चंडीगढ़ में, पंचकुला में, जो हमारा इंस्टीट्यूट, आप सब इन्वाइटेड हो, और वो हमारा एक मेन डे होने वाला है। लेकिन अभी इस महीने के लिए आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।